यामिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, लगता है यामिनी तेरे प्यार का जादू चल गया, शिकार जाल में फंस गया। यामिनी अपने ख्यालों की दुनिया में से बाहर आते हुए कहती है, हाँ युग जी बोलिए, क्यों रोका है आपने मुझे? यामिनी बड़बड़ाती है, कहीं युग बाबू आज ही रात तो मेरे साथ वो नहीं करने वाले, पर उस रात को तो अभी समय है जितना मुझे पता है। युग हैरानी के साथ बोलता है, ये तुम क्या बड़बड़ाते रहती हो यामिनी जब देखो? यामिनी बात को छुपाते हुए कहती है, कुछ नहीं युग जी, आप बताइए ना आपने मुझे क्यों रोका? युग अपनी जेब में से अपना मोबाइल निकालते हुए कहता है, वो मैं बोल रहा था तुम अपना मोबाइल नंबर दे दो, इतने दिनों से हम मिल रहे हैं पर मेरे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं है। मेरा दोस्त कछुआ कहता है कि पहली मुलाकात में ये लड़की से उसका नंबर और दूसरी मुलाकात में। इतना कहकर युग चुप हो जाता है। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, ये मैं क्या बोलने वाला था कि कछुए के साथ रहते रहते ना मैं भी उसी की तरह बोलने लग गया हूँ। बड़े बुजुर्ग सच कहते थे, संगत का असर पड़ता है और वो आज मुझे दिख रहा है। यामिनी धीरे से पूछती है, दूसरी मुलाकात में क्या युग बाबू, दूसरी मुलाकात में लड़की के साथ क्या करना चाहिए? युग बात को घुमाते हुए कहता है, दूसरी मुलाकात में क्या करना चाहिए वो मैं भूल गया, बाद में याद करके बताऊंगा, पर पहले अभी तुम अपना नंबर तो दो यामिनी, कब से तुम्हारा नंबर मांग रहा हूँ और तुम उसके सवाल पर सवाल पूछते जा रही हो? यामिनी जवाब देती है, युग बाबू मेरे पास मोबाइल ही नहीं है तो मैं आपको नंबर कहाँ से दूँ? बाबा कहते हैं मोबाइल रखना बुरी बात है, उससे पक्षियों को नुकसान होता है। युग मायूसी के साथ कहता है, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है ये तो बहुत बड़ी दुविधा हो गई, अगर मुझे तुमसे कभी मिलना रहा तो फिर मैं कैसे मिलूंगा तुमसे? उसकी चिंता आप मत कीजिए युग बाबू, जो लोग सृष्टि से जुड़े होते हैं उन्हें मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब ये कि आप बस अपने दिल से मुझे याद करना और देखना मैं आ जाऊंगी युग बाबू। यामिनी की बात सुनकर युग जोर जोर से हंसने लग जाता है और हंसते हुए ही कहता है, यामिनी तुम्हारे पास मोबाइल भले ही ना हो पर तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम फिल्में जरूर देखती हो, ये सब फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में नहीं यामिनी कि किसी को याद किया और वो हाजिर हो जाए। यामिनी बड़े ही प्यार से युग की आंखों में देखते हुए कहती है, होता है युग बाबू, असल जिंदगी में भी होता है, आखिर फिल्मों की कहानी भी तो असल जिंदगी से ही ली जाती है, देखना एक दिन हमारी कहानी भी बनेगी। हमारी कैसी कहानी यामिनी? यामिनी धीरे से कहती है, हमारे प्यार की युग बाबू और मेरे इंतकाम की। क्या कहा तुमने, एक और बार बोलना जरा, मुझे सुनाई नहीं दिया। यामिनी बात को बदलते हुए कहती है, मैंने कहा आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े तो सच्चे दिल से याद कर लेना और देखना मैं वहां पर हाजिर हो जाऊंगी। अच्छा अब मैं जाती हूँ युग बाबू। इतना कहकर यामिनी वहां से जाने लग जाती है। युग यामिनी की बातें सुनकर हंसने लगता है और मुस्कुराते हुए ही अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ाने लग जाता है। सुबह हो गई थी। युग अभिमन्यु और कायर वांगला त्योहार में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। युग ने अपने बदन पर मेघालय का जिनफोंग वस्त्र पहना हुआ था, जो बिना कॉलर का एक बिना आस्तीन का लाल रंग का कोट था जो सामने वाले थोंग द्वारा बंधा हुआ था। कायर और अभिमन्यु ने भी यही पहना हुआ था। युग काले रंग की लुंगी पहनने की कोशिश कर रहा था पर उससे पहनते नहीं बन रहा था। युग आईने के सामने खड़े होकर लुंगी पहनते हुए कहता है, अरे ये लुंगी तो कुछ ज्यादा ही छोटी हो गई है, पैरों के पूरे बाल दिख रहे हैं, मैं नहीं पहन रहा, वैसे भी ये जम नहीं रहा है मुझ पर। अभिमन्यु युग को देखते हुए कहता है, अरे कैसे नहीं जम रहा, तुझे जमाना नहीं आता, रुक मैं जमा देता हूँ, इसे भी पहनने का एक तरीका होता है, ये कोई टॉवल थोड़ी है जो यूं ही लपेट दिया। इतना कहकर अभिमन्यु युग के पास जाता है और उसे अपने हाथों से लुंगी पहनाने लग जाता है। अभिमन्यु युग को लुंगी पहना ही रहा था कि तभी उस कमरे में कछुआ एप्पल खाते हुए आ जाता है और युग अभिमन्यु को ऐसी हालत में देखकर अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, मुझे तो बस शक था कि तुम दोनों के लक्षण ठीक नहीं है, क्यों हमेशा साथ साथ रहते हो, चिपक कर बैठते हो, पर मेरे शक को तुम दोनों ने आज हकीकत में बदल दिया। युग और अभिमन्यु कछुए की बात का कुछ जवाब देते उससे पहले ही कछुआ कमरे के अंदर घुसते हुए कायर से बोलता है, अरे कायर तू क्या इन दोनों को करते हुए देख रहा है, तुझे शर्म नहीं आती क्या? इन दोनों को तो नहीं आती पर तू तो कम से कम इन दोनों को थोड़ी सी प्राइवेसी दे देता, आराम से करने दे। अभिमन्यु कछुए को टोकते हुए कहता है, अबे कछुए जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है, ये युग लुंगी नहीं पहन पा रहा था तो बस मैं उसे वो पहना कर दे रहा था, समझा? कछुआ अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, अरे तो बताना चाहिए था ना, मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। युग कछुए के मजे लेते हुए कहता है, अब जैसा तू है वैसा ही तो औरों को भी समझेगा ना। कछुआ टॉपिक को चेंज करते हुए अभिमन्यु से पूछता है, अरे अभिमन्यु तूने ये ड्रेस क्यों पहन ली, तू किसके साथ डांस करने वाला है, तू तो सौदाइन का पता लगाने वाला था ना, भूल गया क्या? अभिमन्यु जवाब देता है, अरे हाँ पता है मुझे, पर तू रात में कपड़े लेकर आया था तो ऐसे ही वेस्ट थोड़ी जाने दे सकता था।
वैसे भी सौदाइन का पता तो ये कपड़े पहनकर भी लगा सकते हैं। तू भी कपड़े पहन ले, तब एक जैसे दिखेंगे तो अच्छा लगेगा। युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, हाँ कछुए जल्दी पहन ले, देर नहीं होनी चाहिए। कछुआ युग को घूरते हुए कहता है, ये युग को क्या हो गया, कल तक तो ये बड़ा गर्म था और अब जल्दी मचा रहा है। इतना कहकर कछुआ कपड़े पहनने लग जाता है। कायर धीरे से जवाब देता है, पता नहीं यार क्या हो गया, सुबह से ही बदला हुआ है। तुझे पता है सबसे पहले उठकर तैयार हो गया था ये, मुझे भी इसी ने उठाया है और जल्दी तैयार होने को बोल रहा है। कछुआ युग के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ युग, तुझे तेरी डांस पार्टनर मिल गई क्या जो इतना खुश हो रहा है। युग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, और नहीं तो क्या, मिल गई मुझे मेरी डांस पार्टनर। कछुआ कुछ बोलता उससे पहले ही अभिमन्यु पूछता है, कौन। युग उसी मुस्कान के साथ जवाब देता है, यामिनी और कौन, आखिर वही तो है मेरी पार्टनर। कछुआ लुंगी पहनते हुए कहता है, पर उसने तुझे कब डांस के लिए हाँ बोल दिया, कल जब मैंने तुझे उसे फोन करने के लिए बोला था तो तू कह रहा था कि उसका नंबर नहीं है, फिर कब उससे पूछ लिया तूने, हमसे झूठ बोला था क्या। युग कहता है, कल रात जब तुम सब सो रहे थे तब मिली थी मुझे वो, मैंने तो उसके साथ डांस प्रैक्टिस भी कर ली, आज देखना तुम लोग मेरा डांस। कायर बड़बड़ाता है, वाह यार सही है तेरा, यहाँ पर हम सोते रह गए और तूने अपनी सेटिंग कर ली। कछुआ खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, चलो इसी बहाने आज हम भी यामिनी से मिल लेंगे, हमें मिलाएगा ना युग, तू यामिनी से या अकेले डांस करते रहेगा। युग कायर की बात से हामी भरते हुए कहता है, हाँ हाँ जरूर मिलाऊंगा। बातों ही बातों में अभिमन्यु युग को लुंगी पहना देता है और वो युग से कहता है, हो गया लुंगी बांधी, अब देख आईने में कैसा लग रहा है तू। जब युग अपने आप को आईने में देखता है तो अपने आप को पहचान ही नहीं पाता है। उसके सिर पर बंधा गमछा, हाथ में पहने कड़े और उसकी पोशाक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो शहर में रहने वाला नहीं बल्कि मेघालय में ही रहने वाला लड़का है। युग अपने आप को आईने में देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर उसके गले के काली माँ के लॉकेट पर पड़ती है जो उसे राइट साइड से कुछ ज्यादा नीचे झुका हुआ लग रहा था। जब युग उसे ठीक करने के लिए हाथ लगाता है तो वो लॉकेट टूटकर उसके हाथ में आ जाता है। युग उस लॉकेट को देखते हुए कहता है, अरे ये लॉकेट तो टूट गया यार। युग का लॉकेट उसके कुंदे के सिरे पर से टूट गया था जो कि चांदी की चेन से बना था। अभिमन्यु उस लॉकेट को देखते हुए कहता है, अरे ये तो वही लॉकेट है ना जो तेरी मम्मी ने तुझे बचपन में दिया था और तब से ही तेरे गले में है। युग मायूसी के साथ कहता है, हाँ ये वही लॉकेट है जो यहाँ पर आते वक्त रास्ते में मैंने तुझे दिखाया था। कायर घबराते हुए कहता है, ये तो अशुभ हो गया यार। युग मुंह बनाते हुए कहता है, अशुभ हो गया, कैसा अशुभ। कायर अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है, यार हम लोग बांग्ला त्योहार के शुभ कार्य में जा रहे थे पर वहां जाने से पहले ये लॉकेट टूट गया, इसका मतलब ये कि कुछ अशुभ होने वाला है, लॉकेट टूटना उसी का संकेत है। युग चिढ़ते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रहा है तू, अब लॉकेट पुराना होगा तो टूटेगा ही ना। कायर कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ डरते हुए कहता है, यार युग मुझे तो लगता है यही वो लॉकेट है जो तेरी उस यक्षिणी से रक्षा कर रहा था, तेरी मम्मी को यक्षिणी के बारे में पता होगा तभी उन्होंने तेरे गले में ये लॉकेट डाल दिया होगा। युग झट से कहता है, तू पागल हो रहा है क्या, कुछ भी बोलता है, अगर यक्षिणी इस लॉकेट से डरती तो गांव में हर किसी के गले में ये लॉकेट होता, फिर वो यक्षिणी किसी मर्द को अपना शिकारी नहीं बना पाती। युग की बात सुनकर कछुआ चुप हो जाता है क्योंकि युग की बात का उसके पास कुछ जवाब नहीं था पर अभिमन्यु के पास था इसलिए वो बोल पड़ता है, युग कुछ राज ऐसे होते हैं जो सबको पता नहीं होते हैं, हो सकता है इस लॉकेट के बारे में सिर्फ तेरी मम्मी को पता हो और किसी को नहीं, इस लॉकेट में कुछ ऐसा हो जिससे यक्षिणी डरती हो। तुझे पता है मैंने सुना है तेरे पापा और तेरी मम्मी दोनों साथ में पहले इसी ग्रेवयार्ड कोठी में रहा करते थे, जब वो यक्षिणी पर किताब लिख रहे थे उस वक्त भी तेरी मम्मी यहीं पर थी, पर उसके बाद ही तेरी मम्मी किसी। अभिमन्यु अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही युग उसे बीच में रोकते हुए कहता है, बस अभिमन्यु अब चुप हो जा, पुरानी बातों को मत निकाल, मैं पुरानी बातों को बिल्कुल याद नहीं करना चाहता और ना ही मुझे वो याद है, अच्छा हुआ मैं अपनी माँ का चेहरा भूल गया, मैं उन्हें कभी याद भी नहीं रखना चाहता था, उन्होंने मुझे मेरे पापा से दूर कर दिया था और अब उनसे जुड़ी यादें खुद ब खुद अपने आप मुझसे दूर हो रही हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है, समझे तुम लोग। युग को चिढ़ते हुए देखकर अभिमन्यु कछुआ और कायर कुछ नहीं बोलते हैं पर उन्हें तो अभी भी लग रहा था कि लॉकेट का टूटना ठीक नहीं था। युग उन तीनों को घूरते हुए कहता है, अब तुम तीनों चलोगे भी या यहीं पर खड़े खड़े बांग्ला त्योहार मनाओगे। कछुआ कमरे से बाहर निकलते हुए कहता है, हाँ चल देख मैं तो तैयार भी हो गया जब तक तूने बात करी। युग वो लॉकेट को वहीं पर फेंक देता है और कमरे से बाहर जाने लग जाता है पर अभिमन्यु वहीं पर रुका रहता है और सबके जाने के बाद चुपके से उस लॉकेट को अपने पास रख लेता है। इस तरफ रोंकमुचा गांव के मैदान में मेला लग चुका था, साथ में बांग्ला त्योहार की भी सारी तैयारियां हो चुकी थी। एक बड़ा सा स्टेज बनाया गया था जिस पर भूपेंद्र बख्शी और रतन पाली के साथ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे।
उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दिलीप के आने का इंतजार कर रहे थे। वो अभी तक वहां पर नहीं आया था। स्टेज के पास ही बहुत सारी गांव की भीड़ जमा थी जो नजरें गड़ाए स्टेज की ओर ही देख रहे थे। भूपेंद्र बख्शी रतन पाली से कहता है, रतन, इस दिलीप ने तो कहा था कि इस साल वांगला त्योहार धूमधाम से नहीं मनाया जाएगा, पर इसने तो हर बार से ज्यादा इस बार कुछ तैयारियां करवाई हैं। रतन पाली मुंह फुलाते हुए कहता है, भूपेंद्र तुझे पता तो है इस दिलीप की आदत है धोखा देने की। जब इसने अपने छोटे भाई को नहीं छोड़ा तो हम क्या चीज है। ये दिलीप अपने मान और सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसी झूठी शान का भी क्या फायदा जो आपके अपनों को आपसे छीन ले। भूपेंद्र बख्शी रतन पाली की बात से हामी भरते हुए कहता है, सही कहा रतन तूने, ये है ही घमंडी। रतन पाली गुस्से से कहता है, देखा जाए तो लेखक बाबू, अरे मैं भी क्या बोल रहा हूँ, क्या नाम था इस युग के बाप का। भूपेंद्र बख्शी अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहता है, अरे ऐसे ही कुछ था, याद आया, अनुराग, यही नाम था उस लेखक बाबू का जो यक्षिणी पर किताब लिख रहा था, तो उसे कैसे भूल सकता है। रतन पाली अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है, अरे क्या करूं, उम्र हो रही है तो नाम याद नहीं रहते। हाँ तो क्या बोल रहा था मैं, कि मुझे तो लगता है कि अनुराग की मौत का जिम्मेदार भी ये दिलीप ही है। भूपेंद्र बख्शी फटाक से पूछता है, कैसे? अरे कैसे क्या, तुझे नहीं पता क्या, पहले ये अनुराग दिलीप के साथ अपने रोंगटा मुचा गांव में उसी की कोठी में तो रहता था, इसी ने तो उसे ग्रेवयार्ड कोठी में जाने के लिए मजबूर किया था। भूपेंद्र बख्शी हैरानी के साथ पूछता है, क्या कहा, दिलीप ने अनुराग को ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए मजबूर किया था, पर क्यों? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। भूपेंद्र बख्शी हैरानी के साथ पूछता है, क्या कहा, दिलीप ने अनुराग को ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए मजबूर किया था, पर क्यों? रतन पाली भूपेंद्र बख्शी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, अब ये तो मुझे भी नहीं पता, पर सुना है कि जब अनुराग मतलब अपने लेखक बाबू ग्रेवयार्ड कोठी में गए थे तो किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। बात तो यहां तक आ गई थी कि दोनों ने एक दूसरे पर हाथ तक उठा दिया था। भूपेंद्र बख्शी अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या बात कर रहा है रतन। हाँ भूपेंद्र, तुझे नहीं मालूम होगा, उस वक्त तो गांव से बाहर गया था ना जब ये सब हो रहा था। तू तो तब लौटा था जब अनुराग ने ग्रेवयार्ड कोठी में रहना शुरू कर दिया था। भूपेंद्र बख्शी रतन पाली की बातों से सहमत होते हुए कहता है, हाँ मुझे भी याद है, हम दोनों ने इसका विरोध भी किया था कि अनुराग को उस ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं रहना चाहिए, पर इस दिलीप ने सारा मामला ठंडा कर दिया था, अपने पैसों के आगे सबकी आवाज दबा दी। पर जितना मुझे लगता है ये दिलीप ही अपने छोटे भाई अनुराग का कातिल है। रतन पाली अकड़ते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, ना ही ये अपने छोटे भाई अनुराग से झगड़ा करता और ना ही वो ग्रेवयार्ड कोठी में रहने जाता और ना ही उसकी मौत होती, सब इस दिलीप का ही किया धरा है। रतन पाली और भूपेंद्र बख्शी आपस में बातें कर ही रहे थे कि उनकी नजर स्टेज की सीढ़ियों पर पड़ती है और वो देखते हैं कि उनके सामने से दिलीप लंगड़ाते हुए चला आ रहा था। उसके पैर में सफेद पट्टी बंधी हुई थी। दिलीप के पीछे पीछे उसका साला सुदेश और उसका नौकर बल्लू काका चल रहे थे। दिलीप को लंगड़ाते हुए चलते हुए देखकर भूपेंद्र बख्शी अपनी भवें ऊपर नीचे करते हुए कहता है, अरे इस दिलीप के पैर को क्या हो गया, ये लंगड़ाते हुए क्यों चल रहा है। रतन पाली मुंह बनाते हुए कहता है, पता नहीं क्या हुआ, जरूर इसने कुछ कर्मकांड किया होगा, उसी की सजा मिली है इसे। भूपेंद्र और रतन आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी स्टेज पर दिलीप आ जाता है। उसको देखकर दोनों की बोलती बंद हो जाती है। दिलीप उन दोनों के पास जाते हुए कहता है, क्या खुशफुसा रहे हो तुम दोनों, और मुझे देखते ही चुप क्यों हो गए, आखिर बात क्या है। भूपेंद्र बख्शी चापलूसी करते हुए हंसते हुए कहता है, कुछ नहीं दिलीप जी, बस हम इसी बारे में बातें कर रहे थे कि आपको ये चोट कैसे लग गई। बड़ी गहरी चोट लगती है। रतन पाली भी भूपेंद्र बख्शी का साथ देते हुए कहता है, हाँ दिलीप जी सही कहा भूपेंद्र ने, हम दोनों इसी बारे में बातें कर रहे थे, बहुत दर्द हो रहा होगा। दिलीप गुस्से से कहता है, अगर मैं यहां पर नहीं आता तो त्योहार की शुरुआत कैसे होती, तुम दोनों करते क्या। और रतन तू मेरे दर्द के बारे में ज्यादा मत सोच, मुझसे ज्यादा तो तुझे दर्द हो रहा होगा ना अपने बेटे को खोने का, बेटा खोने का गम इस दुनिया का सबसे बड़ा गम होता है। दिलीप की बात सुनकर रतन गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है। भूपेंद्र समझ जाता है कि दिलीप बात को घुमाने की कोशिश कर रहा है। वो उसके सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था, पर भूपेंद्र जानना चाहता था
कि आखिर दिलीप को पैर में चोट कैसे लगी थी। इसने वो दिलीप पर दबाव बनाते हुए पूछता है, आपने बताया नहीं दिलीप जी, आपको ये चोट कैसे लगी? दिलीप झूठ बोलते हुए कहता है, अरे ये चोट, ये तो बाथरूम में पैर फिसल गया था तो वहीं पर लग गई। पर ये सब छोड़ो, चोट का क्या है, वो तो लगती रहती है। जिस काम के लिए आए हैं वो शुरू करते हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। दिलीप स्टेज पर से गांव वालों को भाषण देना शुरू कर देता है। भाषण देते वक्त ही वहां पर युग और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। भाषण देने के बाद दिलीप अपने हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम करने लग जाता है। युग दिलीप को देखते हुए अभिमन्यु से पूछता है, ये सूरज के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, ये क्या आप सूर्य नमस्कार करने वाले हैं? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देता है, अरे नहीं युग, तेरे बड़े पापा सूर्य नमस्कार नहीं कर रहे हैं, बल्कि मिसी सालजोंग को धन्यवाद दे रहे हैं। युग मुंह बनाते हुए कहता है, ये मिसी सालजोंग क्या होता है? अभिमन्यु कहता है, मेघालय में सूरज को सालजोंग कहा जाता है और तेरे बड़े पापा सूर्यदेव को मिट्टी की उर्वरता और समृद्ध फसल के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, समझा? अच्छा, अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, हाँ तुझे पता है हमारे गांव में तेरे बड़े पापा यानी दिलीप अंकल को स्थानीय रूप से नोकमा के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो ताजा पीसा बियर, पकाया हुआ चावल और सब्जियों के साथ पूजा करते हैं, जो भगवान को अर्पित किया जाता है। आज के दिन मतलब वांगला त्योहार के पहले दिन को रागुला कहा जाता है, जो मुखिया यानी तुम्हारे घर के अंदर होता है। कल के दिन को कक्कट के नाम से जाना जाता है। युग एक्साइटेड होते हुए पूछता है, अरे तू ये सब छोड़ और ये बताना डांस कब होंगे? अभिमन्यु जवाब देता उससे पहले ही कायर नाराजगी के साथ कहता है, वो तो शाम को शुरू होंगे यार। युग भी उदासी के साथ कहता है, क्या कहा, शाम को? अभिमन्यु कहता है, हाँ यार शाम को, वो महाभोज का आयोजन 12 बजे से हो जाएगा ना, इसलिए डांस शाम को रखे गए हैं, वरना हमेशा तो दिन में ही डांस स्टार्ट हो जाते हैं। खाने के नाम से कछुए के मुंह में पानी आ जाता है और वो खुश होते हुए कहता है, ये तो इन्होंने बहुत अच्छा किया, बढ़िया है, इसी बहाने आज मैं 2 बार खाना खा लूंगा, वो भी मुफ्त का। कायर कछुए की टांग खींचते हुए कहता है, कछुए तुझे खाने के सिवा आता ही क्या है, इतना खाता है फिर भी देखो अभी तक मोटा नहीं हुआ। होगा कैसे, फ्री का जो खाता है, अपने पैसों का खाता तो अभी तक मोटा हो जाता। अभिमन्यु भी कायर का साथ देते हुए कहता है, ये कायर ठीक बोल रहा है कछुए, कभी कभी अपने पैसे भी खर्च कर दिया कर, हमेशा हम पर ही डिपेंड मत रहा कर। युग और उसके दोस्त आपस में तो बातें कर रहे थे, पर युग उनकी बातों में अब जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। युग उदास हो गया था, वो थोड़ा नाराज लग रहा था। ये बात अभिमन्यु नोटिस कर लेता है और अगले ही पल उससे पूछता है, क्या हुआ, ये तेरा चेहरा क्यों लटक गया अचानक से, अभी तक तो वांगला त्योहार में आने के लिए बहुत एक्साइटेड था, फिर एकदम से क्या हो गया? युग जवाब देने के बिल्कुल मूड में नहीं था, इसलिए वो उखड़े लहजे में कहता है, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। अभिमन्यु समझ जाता है कि युग कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो फिर पूछता है, ऐसे ही तो नहीं, बताना क्या हुआ? युग मायूसी के साथ कहता है, यार मैं सुबह सुबह डांस करने के लिए इतने अच्छे से तैयार होकर आया और अब पता चल रहा है कि डांस शाम को होने वाले हैं। अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तू इसलिए मायूस है, पर इसमें मायूस होने वाली क्या बात है, ये तो और भी अच्छी बात है ना, अब तुम दोनों भी सौदाइन का पता लगाने में हमारी मदद कर सकते हो। कछुआ युग की टांग खींचते हुए कहता है, युग इसलिए मायूस नहीं है क्योंकि डांस शाम को होंगे, वो तो इसलिए नाराज है क्योंकि वो यामिनी से रात में मिल पाएगा, उसे यामिनी से मिलने की जल्दी थी, उसे लगा था यामिनी उसे सुबह सुबह मिल जाएगी। युग अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है कछुए, मैं तो बस उसे तुमसे जल्दी से जल्दी मिलाना चाहता था ताकि वो तुम्हारी भी दोस्त बन जाए। कायर कहता है, हाँ यार दोस्त तो हम भी उसे बनाना चाहते हैं, तो ये बता यामिनी शाम को आएगी तो ना? युग कायर को भरोसा दिलाते हुए कहता है, हाँ यार जरूर आएगी, उसने मुझसे वादा किया है। युग और उसके दोस्त जितने समय से बातें कर रहे थे उतने समय में ही रतनपाली और भूपेंद्र बख्शी ने भी भाषण दे दिया था और वांगला त्योहार शुरू हो जाता है। सुदेश अपने हाथ में माइक लेकर एक अनाउंसमेंट करते हुए कहता है, इस साल गांव के मेले में महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। सुदेश जैसे ही ये बात बोलता है मेले में उपस्थित सभी महिलाएं सुदेश की बात को गौर से सुनने लग जाती हैं। सुदेश माइक में बोलता है, हमारे रोंगकमुचा गांव का एक लड़का है जिसका नाम कछुआ है। स्टेज से कुछ ही दूरी पर खड़ा कछुआ हैरानी के साथ अपने दोस्तों से पूछता है, ये क्या हो रहा है, ये सुदेश अंकल मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? अभिमन्यु अपनी हंसी छुपाते हुए कहता है, तू बस अब देखते जा,
तुझे खुद अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा कि सुदेश अंकल तेरा नाम क्यों ले रहे हैं। सुदेश अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है, कछुए को तो आप सभी जानते ही होंगे, कछुआ हमारे गांव का नमूना जो ठहरा। अरे वही दुबला पतला सा लड़का जो अपने नाम की तरह ही सब काम स्लो करता है, हमेशा बनियान पहने रहता है। हाँ शायद कुछ और पहना हो, अपनी ऊट पटांग हरकतों से सारे गांव को परेशान करके रखता है। कछुआ मुंह फुलाते हुए युग से कहता है, यार युग ये तेरे मामा जी मेरी तारीफ कर रहे हैं या बुराई? युग कायर और अभिमन्यु कुछ जवाब नहीं देते हैं, वो तीनों बस अपने दोनों हाथ से अपना मुंह बंद करके हंसे जा रहे थे। सुदेश कहता है, कछुए ने एक मन्नत मांगी है। कछुआ फिर कहता है, मैंने ऐसी कौन सी मन्नत मांग ली जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता है? युग अभिमन्यु फिर कुछ जवाब नहीं देते हैं, बस हंसते रहते हैं। सुदेश अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है, हमारे कछुए ने एक मन्नत मांगी है और वो ये है कि उसकी शादी नहीं हो रही है। ऊपर वाला उसकी पुकार सुन ले, इसलिए उसने आज के शुभ अवसर पर यानी वांगला त्योहार के दिन सभी महिलाओं को पैरों में फ्री मेहंदी लगाने का कार्यक्रम रखा है। स्टॉल नंबर 10 पर सभी महिलाएं स्टॉल नंबर 10 पर इसका लुत्फ उठा सकती हैं और फ्री में मेहंदी लगवा सकती हैं। कछुआ गुस्से से कहता है, अब इस सालों ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मैंने ऐसी कब मन्नत मांग ली? अभिमन्यु ये तू क्या बोल के आया सुदेश अंकल से? अभिमन्यु यहाँ वहां देखते हुए कहता है, यार मैं क्या करता, मेरे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। जब मैंने सुदेश अंकल को बताया कि मुझे मेले में स्टॉल लगाना है जिससे हम फ्री में महिलाओं के पैर में मेहंदी लगाएंगे, तो पूछने लगे ऐसा क्यों, किस खुशी में? तो मैं ये तो नहीं बोल सकता था ना कि तौदाइन का पता लगाना है, उनके पैर के अंगूठे का नाखून नहीं होता है। उस वक्त मुझे तेरा ही ख्याल आया और तू ही तो वर्चस्विनी जी से शादी करने की बातें करता रहता है ना, तो बस जो आइडिया मेरे दिमाग में आया वो मैंने बोल दिया और वो काम भी कर गया। तू ही देख कितने अच्छे से समझाया युग के मामा ने सबको तेरी मन्नत के बारे में। कछुआ गुस्से से कहता है, तेरी इस मन्नत की तो साले अच्छा हुआ मेरे घर वाले मेले में नहीं आए, वरना पता नहीं मेरा क्या हाल करते। युग बिचकते हुए कहता है, क्या कहा, तेरे घर वाले मेले में नहीं आए? पर क्यों, वांगला त्योहार में तो घर के सभी लोगों का आना कंपलसरी होता है ना? युग का सवाल सुनकर कछुआ अपने माथे पर हाथ रखता है जैसे वो अपने ही जाल में फंस गया हो, वो कुछ जवाब नहीं देता है। युग कछुए पर दबाव बनाते हुए उससे पूछता है, अरे बोल चुप क्यों है, जवाब दे मेरे सवाल का। कछुआ हिचकिचाते हुए जैसे कोई सा बहाना सोच रहा हो कहता है, वो क्या है ना, तुम्हें तो पता ही है दादी की तबीयत खराब रहती है, इसलिए माँ उन्हीं के पास है उनकी देखरेख करने के लिए, और पापा तो बाहर के गांव गए हैं। इस बार अभिमन्यु कछुए पर शक करते हुए पूछता है, बाहर गए हैं पर क्यों? कछुआ झट से जवाब देता है जैसे उसके पास इस सवाल का पहले से ही जवाब मौजूद हो, अरे पर्सनल काम से, उन्होंने मुझे भी नहीं बताया, तुझे तो पता ही है पापा मुझे इतना निकम्मा समझते हैं कि कुछ बताते ही नहीं है। कायर कछुए के मजे लेते हुए कहता है, इसमें समझने की क्या बात है, वो तो तू है ही। युग वहां से जाते हुए कहता है, अब स्टॉल के पास चलोगे या यहीं बातें करते रहोगे? जितना मुझे लगता है अब तक तो हमारे स्टॉल पर लड़कियों की भीड़ लग भी गई होगी। कछुआ युग का साथ देते हुए कहता है, हाँ जल्दी चल यार, गांव की सारी लड़कियां जमा हो गई होंगी और हो सकता है मेरी वर्चू भी आ जाए। मैं पहले कह देता हूँ, अपनी वर्चू को तो मैं ही मेहंदी लगाऊंगा, कोई हम दोनों के बीच मत आना। कायर भी युग के पीछे पीछे जाते हुए कहता है, हाँ हाँ लगा लेना, पहले स्टॉल पर तो चल। अभिमन्यु अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, चलो अब लगाते हैं पता सौदाइन का। मेले में कई दुकानें लगी थी जहां पर मेघालय की पारंपरिक पोशाकें, पारंपरिक चीजें तो खाने के स्टॉल लगे हुए थे, वहां पर कई सारे झूले और बच्चों के लिए खिलौने के स्टॉल भी लगे थे। उन्हीं स्टॉल्स के बीच में से एक स्टॉल युग और उसके दोस्तों ने लगाया था, जहां पर वो लोग औरतों के हाथ पैरों में छापने वाली मेहंदी लगा रहे थे जिससे मेहंदी जल्दी भी लग जाए और उनका टाइम भी वेस्ट ना हो। सुबह से दोपहर हो गई थी पर अभी तक उनके स्टॉल पर एक भी औरत या लड़की ऐसी नहीं आई जिसके पैर के अंगूठे का नाखून ना हो। चारों ही औरतों के पैरों पर मेहंदी छापते छापते थक गए थे। कायर एक औरत के पैर में मेहंदी छापते हुए कहता है, यार अभिमन्यु अब तो मेरे हाथ दुखने लग गए हैं, तुझे लगता है ये काम करेगा? पर वो अभिमन्यु भी एक दूसरी औरत के पैर में मेहंदी लगाते हुए कहता है, हाँ करेगा, बस कर्म करते जा बेटा, फल की चिंता मत कर, महाभारत में श्री कृष्ण ने यही कहा था। कछुआ अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहता है, सही है, वहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था और अब तू अभिमन्यु हमें यहाँ पर दे। युग और उसके दोस्त आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर अमोदिता आ जाती है और खुश होते हुए कहती है, अरे युग जी आप यहाँ पर सबको मेहंदी लगा रहे हैं, मुझे भी लगा दीजिए ना।
यू का मोदिता के पैर की तरफ देखते हुए कहता है, जिस पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। अरे अमोदिता, तुम अब तुम्हारा पैर कैसा है? अमोदिता अपने आसपास देखते हुए कहती है, अब मेरा पैर बिल्कुल ठीक है युग जी, वो तो घर पर काम ना करना पड़े इसीलिए अभी तक पट्टी नहीं उतारी। आप मुझे भी मेहंदी लगा देंगे क्या? हाँ क्यों नहीं। युग अमोदिता के हाथ में मेहंदी लगाने लग जाता है। हाथ में मेहंदी लगाने के बाद युग अमोदिता से पूछता है, अमोदिता तुम्हें पैरों में मेहंदी नहीं लगानी क्या? अमोदिता शर्माते हुए कहती है, लगा दीजिए ना युग जी, आपके हाथों से तो मैं कहीं भी मेहंदी लगवा लूं। इतना कहकर अमोदिता मेहंदी लगाने के लिए अपने पैर की पट्टी खोलने लग जाती है और युग अभिमन्यु कायर कछुआ चारों की नजर इस वक्त अमोदिता के पैर पर थी। वो देखना चाहते थे कि कहीं अमोदिता ही सौदाइन तो नहीं है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। इतना कहकर अमोदिता मेहंदी लगाने के लिए अपने पैर की पट्टी खोलने लग जाती है। योग अभिमन्यु कायर और कछुआ की नजर इस वक्त अमोदिता के पैर पर थी। वो देखना चाहते थे कि कहीं अमोदिता ही तो सौदाइन नहीं थी। अभिमन्यु को कई बार अमोदिता पर शक हुआ था और आज वो शक कंफर्म होने जा रहा था। अमोदिता अपने पैर की पट्टी खोल रही थी और योग उसके एकदम नजदीक था। इतने नजदीक कि जैसे ही अमोदिता पट्टी खोलती उस पर सबसे पहले योग की ही नजर पड़ती। कछुए ने भी वहां पर बैठी औरत के पैर में मेहंदी लगाना बंद कर दिया था और अमोदिता के पैर पर नजर टिकाए हुए था। कायर का मोबाइल बज रहा था जिस पर बिंदु का फोन आ रहा था, पर उसने अमोदिता के पैर को देखने के लिए उसके फोन को भी कट कर दिया था। अमोदिता पट्टी खोल ही रही थी कि तभी रजनी की पीछे से आवाज सुनाई देती है, अरे नालायक लड़की तू यहाँ पर क्या कर रही है? जैसे ही अमोदिता रजनी की आवाज सुनती है उसकी जान हलक में आ जाती है और वो अपने हाथ रोक लेती है, पट्टी नहीं खोलती है। जब अमोदिता पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके पीछे रजनी खड़ी हुई थी जो उसे गुस्से से घूरे जा रही थी। रजनी अमोदिता का गुस्से से हाथ पकड़ते हुए कहती है, अरे नालायक लड़की तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने तो तुझे पूजा का सामान लाने भेजा था ना, और तू यहाँ पर मेले में मजे से घूम रही है। अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, वो माँ मैं तो सामान ही लेने आई थी पूजा का, पर सोचा मेला लगा है तो थोड़ा घूम लेती हूँ। रोज रोज थोड़ी लगता है मेला, और फिर यहाँ पर आई तो देखा युग जी मेहंदी लगा रहे हैं, वो भी फ्री में, तो लगाने बैठ गई। रजनी अमोदिता को अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए कहती है, तू बस जिंदगी भर मेहंदी लगाते रह जा, फ्री का सामान देखा नहीं कि कूद पड़ी। तुझे मैंने पूजा का सामान लेने भेजा था ना, तुझे पता है ना रात में पूजा करनी है किसी भी हालत में। युग को रजनी की ये बात बड़ी अजीब लगती है। अमोदिता रजनी के सवाल का जवाब देती उससे पहले युग रजनी से पूछता है, मामी जी आपको रात में कौन सी पूजा करनी है? आखिर रात में कौन सी पूजा होती है? युग का ये सवाल सुनकर रजनी भी घबरा जाती है। गुस्से गुस्से में उसे भी पता नहीं था कि उसके मुंह से क्या निकल गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि युग के सवाल का क्या जवाब दे। अभिमन्यु भी युग का साथ देते हुए रजनी पर दबाव बनाते हुए उससे पूछता है, आंटी जी रात में तो शैतानों की पूजा होती है ना? अगर दिन भगवान का होता है तो रात शैतान की। रजनी हंसते हुए अभिमन्यु की बात को टालते हुए कहती है, अरे अभिमन्यु बेटा ये तुम क्या बोल रहे हो भला, मैं शैतान की पूजा क्यों करूंगी? मैं क्या तुम्हें कोई जादू टोना करने वाली दिखती हूँ? अभिमन्यु अभी भी रजनी की बातों में नहीं आ रहा था। वो उसकी बातों का विरोध करते हुए पूछता है, पर आपने ही तो बोला ना अभी आंटी जी की रात में पूजा करनी है, फिर आप ही बता दीजिए कि आप रात में कौन सी पूजा करने वाली थी। रजनी झट से बहाना सोच लेती है और अभिमन्यु को अपनी बातों में बहकाते हुए कहती है, वो अभिमन्यु मेरे मुंह से गलती से रात निकल गई थी, वरना बोलने तो मैं वांगला त्योहार की पूजा के बारे में थी, पर ये अमोदिता की सूरत देख लेना तो रात याद आ गई। अब इसकी सूरत ही ऐसी है कि क्या बताऊं, इसकी सूरत देखती हूँ तो अंधेरा अपने आप याद आ जाता है। युग रजनी पर चिढ़ते हुए कहता है, मामी ये बहुत गलत बात है, आप जब देखो अमोदिता को उसके रंग को लेकर छेड़ती क्यों है? अब इसमें उसका थोड़ी कोई दोष है यदि उस बेचारी का काला रंग है तो। शायद आप भूल रही हैं कृष्ण भगवान जी भी काले थे, यहाँ तक कि काली माँ भी। फिर आपको अमोदिता को ऐसे ताने नहीं देना चाहिए, इससे पहले भी मैंने आपको एक दो बार टोका है, यदि अब आपने अमोदिता के रंग को लेकर कोई कॉमेंट किया तो आपका और मेरा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। युग की ये बात सुनकर अमोदिता बड़ी ही प्यार से युग की तरफ देखने लग जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि युग जी मेरे बारे में कितना सोचते हैं, कितना समझते हैं मेरी फीलिंग्स को, और एक मेरी माँ है कि माँ होकर भी मुझे समझ नहीं पाती। युग की बात सुनकर रजनी घबराने लग जाती है, उसे लगने लग जाता है कि सच में कहीं युग उससे रिश्ते ना तोड़ दे, यदि उसने उससे रिश्ते तोड़ दिया तो उसकी बेटी अमोदिता से शादी कौन करेगा।
रजनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, अरे नहीं नहीं युग बेटा, ऐसा मत बोलो, हमसे रिश्ते मत तोड़ना। दिलीप भैया से तो तोड़ ही चुके हो। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद अमोदिता को उसके रंग को लेकर कभी कुछ नहीं बोलूंगी। युग कुछ जवाब नहीं देता है। रजनी अमोदिता से बड़े ही प्यार से बोलती है, अरे अमोदिता बेटा, अब यहीं पर बैठी रहेगी या पूजा का सामान भी लेने चलोगी? अमोदिता लाड में कहती है, पर माँ मुझे मेहंदी लगानी है पैरों में। रजनी प्यार से अमोदिता की पीठ पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे पैरों में लगा कर क्या करेगी, हाथ में तो लगा ही चुकी है ना, वो भी बहुत है, और वैसे भी तो कहाँ पर कोई सा डांस करने वाली है, तेरे पैर में तो मोच आई थी ना, अब तेरी मोच ठीक हो गई क्या जो मेहंदी लगा रही है? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, माँ दर्द तो अभी भी हल्का हल्का है, पर मेहंदी तो लगानी है, वो भी युग जी लगा रहे हैं तो उनके हाथों से लगा लेती हूँ, ऐसे मौके फिर कहाँ आने वाले हैं दोबारा कभी। रजनी अमोदिता को मना करते हुए कहती है, अरे ऐसे मौके तो आते जाते रहेंगे, युग बेटा कहाँ जा रहा है तुझे छोड़कर, वो तो अब हमेशा यहीं पर रहेगा। अभी अमोदिता बेटा तू यहाँ से चल जल्दी, वरना पूजा के लिए देर हो जाएगी, बहुत सारा सामान खरीदना है और घर पर जाकर पूजा की तैयारी भी करनी है, समझी? अमोदिता रजनी का इशारा समझ जाती है कि वो किस पूजा की बात कर रही थी। अमोदिता वापस से पट्टी अपने पैर में बांधते हुए कहती है, हाँ माँ चलो पूजा भी जरूरी है। इतना कहकर अमोदिता झट से पट्टी अपने पैर में वापस से बांध लेती है और युग उसके दोस्त कुछ नहीं कर पाते हैं। वो अमोदिता के पैर के अंगूठे का नाखून नहीं देख पाते हैं। पट्टी पैर में बांध कर अमोदिता खड़े होते हुए युग से कहती है, अच्छा युग जी अब मैं जाती हूँ, सॉरी मेरी वजह से आज शाम को आप भी डांस नहीं कर पाएंगे। युग बीच में बोल पड़ता है, पर अमोदिता मैं तो यामी। युग अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अमोदिता उसे रोकते हुए कहती है, मुझे पता है युग जी आपको भी कोई डांस पार्टनर नहीं मिली होगी, पर कोई ना, हम अगले साल पक्का साथ में डांस करेंगे, इस साल बस देख लेंगे, शाम को मिलते हैं फिर डांस के वक्त। रजनी अमोदिता को समझाते हुए कहती है, अरे मेरी प्यारी अमोदिता, मिलोगी तो तब ना जब हम यहाँ से जाएंगे। रजनी युग की तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा युग बेटा अब हम जाते हैं फिर मिलते हैं। युग हाँ में अपना सिर हिला देता है। रजनी और अमोदिता वहां से जाने लग जाते हैं। उनके जाते ही कछुआ कहता है, अबे युग तूने अमोदिता को बताया क्यों नहीं कि तुझे डांस पार्टनर मिल गई है और तू रात में यामिनी के साथ डांस करने वाला है? युग झट से कहता है, अरे बताने तो वाला था पर तूने देखा ना अमोदिता ने मुझे बोलने ही नहीं दिया। कायर बीच में बोल पड़ता है, चल कोई बात नहीं, जब वो रात आएगी तो खुद देख लेगी कि तुझे डांस पार्टनर मिल गई है, हमारे साथ ही अमोदिता को भी यामिनी से मिलवा देना। युग कहता है, हाँ मिलवा दूंगा यार, पहले मैं तो मिल लूं उससे, पता नहीं आएगी भी या नहीं। रजनी और अमोदिता मेले में ही थे, दोनों ही अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी। रजनी अमोदिता से गुस्से में कहती है, सुन ले तू शाम को मेले में नहीं आएगी। अमोदिता नाराज होते हुए कहती है, पर क्यों माँ, अभी तो मैंने तुम्हारे सामने युग जी से बोला ना कि मैं शाम को उनसे मिलने मेले में आऊंगी, तुम भी तो वहीं थी ना, तो उस वक्त तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? वो इसलिए क्योंकि युग फिर बुरा मान जाता, वैसे भी बहुत जल्दी गुस्सा आता है उसे अपने बाप की तरह, पर माँ यदि मैं नहीं गई तो युग जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? उसे जो सोचना है सोचने दे, मैंने कह दिया ना कि तू शाम को यहाँ पर नहीं आएगी तो नहीं आएगी, पर क्यों माँ तुम बताओगी? क्योंकि तुझे पता है ना रात में कर्ण पिशाचनी साधना करनी है और उसकी तैयारी हम रात 9 बजे से ही शुरू कर देंगे, और मुझे पता है अगर तू मेले में आई तो 12 बजे से पहले घर नहीं पहुंचने वाली। मैं इस साधना को किसी भी हालत में आज रात ही करना चाहती हूँ, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब जानने हैं और वो सिर्फ कर्ण पिशाचनी ही दे सकती है। अमोदिता को जवाब नहीं देती है क्योंकि वो जानती थी कि पलट कर कुछ भी बोलना बेकार है, रजनी उसकी बात नहीं मानने वाली, वो उसे मेले में शाम को आने की इजाजत नहीं देगी। रजनी आगे बढ़ते हुए कहती है, और सुन तू घर से खाना खाकर निकली थी ना एक बार का? अमोदिता ये बात सुनकर खुश हो जाती है, उसे लगने लग जाता है कि मेले में रजनी जरूर उसे कुछ खिलाने वाली है, इसलिए वो एक्साइटेड होकर कहती है, हाँ माँ खाकर आई थी पर हल्का फुल्का ही, ज्यादा नहीं खाया था, अब तो मुझे दोबारा भूख लगने लग गई है, चलो मेले में ही कुछ खा लेते हैं। रजनी अमोदिता को मना करते हुए कहती है, अरे नालायक लड़की, मैं ये बोल रही थी कि अब तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। पर क्यों माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? वो इसलिए क्योंकि कर्ण पिशाचनी साधना जिस दिन करते हैं उस दिन बस एक वक्त का खाना ही खाते हैं, और वो तू खा चुकी है। पर ये सब तो तुमको पहले बताना था ना माँ, मुझे तो अभी से भूख लगने लगी, मैं क्या करूँ? तो उस भूख को मार ले, तुझे युग से शादी करनी है या नहीं, अगर करनी है तो भूख सहनी पड़ेगी, समझी? अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये कर्ण पिशाचनी ने तो अभी से मुझसे कुर्बानियां मांगनी शुरू कर दी, रात में पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, जो भी हो देखा जाएगा।
पर शाम को चाहे कुछ भी हो जाए मैं युग जी से मिलने तो आऊंगी ही, आखिर मैंने बोला है हम साथ में डांस देखेंगे। रजनी अमोदिता को टोकते हुए कहती है, अरे अब बीच रास्ते में मूर्ति बनकर खड़ी क्यों हो गई, जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा, रात में होने वाली पूजा का सामान खरीदना है। अमोदिता चुपचाप अपने कदम रजनी के पीछे पीछे बढ़ाने लग जाती है। शाम हो गई थी, शाम के 7 बजने वाले थे। युग और उसके दोस्त औरतों को मेहंदी लगा लगा कर थक गए थे, पर अभी तक उन्हें सौदाइन नहीं मिली थी। अब तो उनके स्टॉल पर औरतें भी नहीं बैठी हुई थी, जितनी औरतों को मेहंदी लगवानी थी वो तो लगवा चुकी थी। वो चारों ही अकेले अपने स्टॉल के अंदर थक हार कर बैठे हुए थे। कायर उदासी के साथ अभिमन्यु से बोलता है, यार अभिमन्यु, औरतों को मेहंदी लगाते लगाते हमारे हाथ रंग गए, पर सौदाइन का कुछ पता ही नहीं चला, तेरा ये आइडिया तो काम ही नहीं किया कुछ। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ बोल पड़ता है, काम कैसे करेगा, काम करने के लिए गांव में कोई सौदाइन भी तो होनी चाहिए ना। मैंने तो पहले ही बोला था गांव में कोई सौदाइन नहीं है, ये सब बेकार है, पर तुम ही लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे। अब देखो इसका अंजाम, कुछ हाथ तो लगा नहीं, ऊपर से इतनी मेहनत अलग करवा दी। कायर को भी अब कछुए की बात सच लगने लग जाती है, इसलिए वो भी उसका साथ देते हुए कहता है, यार आई थिंक कछुआ ना सही कह रहा है, सौदाइन जैसी कोई चीज ही नहीं होती होगी, और यदि होती भी है तो पहले कभी होती होगी, अब नहीं। भला आज के जमाने में कौन जादू टोना करेगा, अब जमाना बदल गया है, अब पढ़े लिखे लोग आ गए हैं। अभिमन्यु कायर की बात का विरोध करते हुए कहता है, यार जमाना भले ही बदल गया है पर कुछ लोग आज तक नहीं बदले, आज भी अपनी ख्वाहिशों महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोग काले जादू टोने टोटके का यूज करते हैं। युग कुछ सोचते हुए कहता है, यार यदि हमें सौदाइन का ही पता नहीं चला तो फिर भक्षानर के बारे में कैसे पता चलेगा, आखिर उसी ने तो यक्षिणी को इस लोक में बुलाया था। शिट यार, यही एक मौका था सौदाइन के बारे में पता लगाने का, वो भी हाथ से निकल गया। युग अपने दोस्तों से बातें ही कर रहा था कि तभी स्टेज के पास से एक संगीत की धुन सुनाई देती है। युग ने पहली बार ये धुन सुनी थी, जिसे सुनकर वो आश्चर्यचकित हो गया था। युग झट से पूछता है, ये कैसी धुन थी। अभिमन्यु जवाब देता है, ये धुन तुरही की है और ये हिंट है कि कुछ ही देर में डांस शुरू होने वाले हैं। युग बिचकते हुए कहता है, ये तुरही क्या होता है, मैं पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ। अभिमन्यु कहता है, तुरही यहाँ मेघालय का वाद्य यंत्र होता है, हमारे यहाँ ड्रमों के साथ 2 प्रकार के तुरही बजाए जाते हैं। पहला आदिल, जो कि भैंस के सींग के शीट से बना एक छोटा तुरही होता है, जिसमें बांस का एक माउथ पीस जुड़ा होता है, ये लगभग 6 इंच लंबा होता है। युग फटाक से पूछता है, और दूसरा तुरही। अभिमन्यु एक लंबी सांस लेकर जवाब देता है, दूसरा होता है सिंगमा तुरही, ये केवल भैंस के सींग का पूरा हिस्सा होता है और एक सांस में केवल 2 या 3 बार ध्वनि उत्पन्न करता है। कायर उन दोनों को बीच में ही टोकते हुए कहता है, यार ये तुम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्यों बातें कर रहे हो, चलो ना तुरही बज गया है, कुछ ही देर में डांस शुरू होने वाले हैं, मेरी बिंदु मेरा इंतजार कर रही होगी, इस सौदाइन के चक्कर में सुबह से उससे नहीं मिल पाया हूँ। अभिमन्यु अपनी जगह पर से उठते हुए कहता है, चल छोड़, सौदाइन के बारे में बाद में पता लगा लेंगे, आज अष्टमी है और आज से 7 दिन बाद अमावस्या, उससे पहले यक्षिणी किसी को अपना शिकार नहीं बनाने वाली, 7 दिन के अंदर ही कोई सा दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे, हम इस भक्षानर के बारे में भी पता लगा लेंगे और इस यक्षिणी के अभिशाप के बारे में भी। इस तरफ अमोदिता चुपचाप अपने घर से निकल गई थी और अपने कदम मेले की ओर बढ़ा रही थी। सारे गांव के लोग मेले में गए थे, जिस कारण रोंग का मुचा गांव की सड़कें सुनसान थी, वहां पर अमोदिता के सिवा कोई और नहीं था। अमोदिता आगे बढ़ते हुए खुद से बड़बड़ाती है, अच्छा हुआ माँ को मैंने नहीं बताया कि मैं मेले में जा रही हूँ, वरना वो मुझे मेरे युग जी से मिलने जाने ही नहीं देती, अब उन्हें कैसे बताऊं, यही तो प्यार के पल होते हैं जो साथ साथ बिताए जाते हैं, यही पल आगे चलकर यादों में तब्दील हो जाएंगे। यही सब बड़बड़ाते हुए अमोदिता आगे बढ़ी रही थी कि तभी एक आदमी की भारी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, अमोदिता कहाँ जा रही है। आदमी की आवाज सुनकर अमोदिता शॉक्ड हो जाती है, वो जहां पर थी वहीं पर रुक जाती है। आदमी की फिर से आवाज सुनाई देती है, अमोदिता कहाँ जा रही है तू। ये आवाज अमोदिता के पीछे से आ रही थी। जब अमोदिता डरते हुए पीछे मुड़ती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने कोई सी ऐसी चीज देख ली थी जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं करी थी। सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। जब अमोहिता डरते हुए पीछे मुड़ती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने कोई सी ऐसी चीज देख ली थी जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी।
अमोदिता के सामने वही काला कुत्ता खड़ा था जो उसे टोना करते वक्त हर बार दिखाई देता है। वो काला कुत्ता अमोदिता को अपनी लाल लाल आंखों से घूरे जा रहा था, पर इस बार उसकी बॉडी पर पहले से ज्यादा घने काले बाल दिख रहे थे जो काफी बड़े हो गए थे। अमोदिता बड़बड़ाती है, ये कुत्ते का बच्चा फिर मेरे सामने आ गया। आज तो मैं कोई टोना करने भी नहीं जा रही थी, फिर ये कैसे मेरे सामने आ गया। कुत्ते के पास से आदमी की डरावनी आवाज सुनाई देती है, तू कहां जा रही है अमोदिता? अमोदिता ये आवाज सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वो हक्का बक्का रह जाती है, ये सोचकर कि उसके सामने तो कोई आदमी नहीं था बल्कि एक कुत्ता था, फिर आदमी की आवाज कहां सुनाई दे रही थी। अमोदिता घबराते हुए खुद से कहती है, ये आवाज कहां से सुनाई दे रही है? नहीं, ये यक्षिणी नहीं हो सकती, जरूर कोई और है। भला यक्षिणी आदमी की आवाज में मुझसे बात क्यों करेगी? उसने तो कितनी बार औरत की आवाज में मुझसे बात की है, जरूर ये कोई और है। कौन है यहां पर कोई जवाब नहीं आता है। थोड़ी ही देर बाद फिर आदमी की आवाज सुनाई देती है, घर चली जा अमोदिता, घर जा। अमोदिता नोटिस करती है कि आदमी की आवाज कुत्ते के पास से सुनाई दे रही थी। अमोदिता हकलाते हुए कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता, भला एक कुत्ता कैसे बात कर सकता है वो भी आदमी की आवाज में, ये जरूर मेरा कोई वहम है। कुत्ता अपना मुंह खोलते हुए आदमी की आवाज में कहता है, घर जा अमोदिता, घर पर तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। अमोदिता बड़बड़ाती है, नहीं ये सच नहीं हो सकता, ये सब मेरा वहम है और कुछ नहीं। इतना कहकर अमोदिता अपने आप को चिमटी नोचती है, पर कुछ नहीं बदलता है। उसके सामने अभी भी वो कुत्ता खड़ा हुआ था। अभी तक उसके साथ जो भी हुआ था वो सब एक सच था। अमोदिता इतना डर गई थी कि उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डर के कारण अमोदिता का गला सूख गया था, उसके मुंह से तो आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। कुत्ता फिर आदमी की आवाज में कहता है, घर जा अमोदिता। अमोदिता कुत्ते के मुंह से ये शब्द सुनकर शॉक्ड रह जाती है, पर वो अपनी जगह पर से हिलती नहीं है, वहीं पर खड़ी रहती है। अमोदिता के पैर थर थर कांपने लग गए थे। देखते ही देखते वो कुत्ता अमोदिता को देखकर भौंकने लग जाता है। अमोदिता को अपने नुकीले दांत दिखाने लग जाता है जो किसी खंजर की तरह पहने थे। पहले तो अमोदिता उस कुत्ते को देखकर डर जाती है, पर तभी उसे युग का ख्याल आता है कि वो युग के पास जाने के लिए निकली थी और उसके लिए उसने अपनी माँ से पंगा लिया था, तो फिर ये मायावी कुत्ता उसके सामने क्या चीज था। अमोदिता अपने अंदर गुस्सा भरते हुए कहती है, कुत्ते कमीने तू मुझ पर भौंकता है, एक सौदाइन पर, रुक जा अभी तुझे मजा चखाती हूँ। इतना कहकर अमोदिता नीचे झुकती है, रोड पर से दो तीन छोटे छोटे पत्थर उठाकर उस कुत्ते पर निशाना साधती है और उस कुत्ते को मारने लग जाती है। जैसे ही एक दो पत्थर उस कुत्ते को पड़ते हैं वो कुत्ता दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। जैसे ही वो कुत्ता वहां से भागता है अमोदिता हंसते हुए अपने आप पर प्राउड फील करते हुए कहती है, बड़ा आया था मुझे घर भेजने वाला, कुछ देर और रुकता तो इसे भगवान के घर भेज देती। इतना कहकर अमोदिता हंसे ही जा रही थी कि तभी उसकी हंसी गंभीर अवस्था में बदल जाती है। वो सोचने लग जाती है, क्या वो कुत्ता सच में आदमी की आवाज में बात कर रहा था या ये सब मेरा कोई वहम था? आखिर ये कुत्ता बार बार मेरे सामने क्यों आ जाता है? इस चीज का पता मुझे लगाना ही पड़ेगा। खैर इस कुत्ते से तो मैं बाद में निपट लूंगी, पहले वो काम करती हूँ जिसके लिए निकली हूँ। मुझे जल्द से जल्द युग जी के पास पहुंचना है, उनके साथ मुझे डांस जो देखना है, वरना वो बोर हो जाएंगे बेचारे, जल्दी वापस भी आना है वरना मां डांटेगी। इतना कहकर अमोदिता जल्दी जल्दी अपने कदम मेले की तरफ बढ़ाने लग जाती है। इस तरफ मेले में युग और उसके दोस्त स्टेज के पास खड़े हुए थे। वहीं पर एक बड़ा सा घेरा बनाया गया था जिसमें करीब 100 आदमी डामा लेकर खड़े हुए थे। डामा मेघालय का वाद्य यंत्र है, ये दो मुखी बेलनाकार ढोल होता है जिसे स्वर्ण और लाल रंगों से रंगा जाता है। इसे गले में लटकाकर दोनों हाथों से बजाया जाता है। उसी घेरे में कई लड़के और लड़कियां जोड़ी में खड़े हुए थे जो आपस में डांस करने वाले थे। युग और उसके दोस्त उसी घेरे में जो रस्सी बंधी हुई थी उसके बाहर खड़े हुए थे। अभिमन्यु युग से पूछता है, यार युग कहां पर है तेरी यामिनी? तू हमें उससे मिलाने वाला था ना? कायर भी अभिमन्यु के साथ में ही बोलता है, हाँ यार। युग अपनी नजरें आसपास घुमाते हुए कहता है, उसी को तो ढूंढ रहा हूं यार, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, पता नहीं आई क्यों नहीं। कछुआ धीरे से बोलता है, होगी तो आएगी ना। कछुए की बात युग सुन लेता है और गुस्से से बोलता है, क्या बोला कछुए तू? कछुआ जानता था युग यामिनी को लेकर बहुत सीरियस है, यदि उसने यामिनी को लेकर कुछ भी बोला तो युग उसे छोड़ेगा नहीं। ये ऐसा था जैसे शेर के मुंह में हाथ डालना, इसीलिए वो बात को बदलते हुए कहता है, मैंने कहा होगी वो यहीं पर, इतनी भीड़ है ना, शायद इसलिए दिख नहीं रही है।
युग कछुए की बात में हामी भरते हुए कहता है, पहली बार तू कुछ सही बोला है कछुए। कायर बिलखते हुए कहता है, यार तुझे यामिनी से पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी ना, उसे बता देना चाहिए था कहां पर मिलना है। अभिमन्यु बीच में बोल पड़ता है, अरे युग टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, जल्दी यामिनी को फोन करना वरना डांस शुरू हो जाएगा। कल मिला था तब तो उसका नंबर ले ही लिया होगा ना तूने। युग उदासी के साथ जवाब देता है, उसके पास मोबाइल होता तो नंबर लेता ना, उसके पास मोबाइल ही नहीं है तो नंबर कैसे लेता उसका। इस बात का कोई कुछ रिएक्शन देता उससे पहले ही वहां पर बिंदु आ जाती है और कायर पर गुस्सा करते हुए कहती है, कायर तुम यहाँ पर हो और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही हूँ मेले में, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, कब से तुम्हें फोन लगा रही हो। कायर अपनी जेब में से अपना मोबाइल निकालता है और स्क्रीन को देखते हुए कहता है, अरे बिंदु सॉरी, वो यहाँ पर इतना शोर हो रहा है ना कि रिंग बजने की आवाज ही नहीं सुनाई दी। बिंदु गुस्सा करते हुए कहती है, अब यहीं पर खड़े रहोगे या डांस करने भी चलोगे, तुम्हारा मेरे साथ डांस करने का मन नहीं है क्या। कायर बौखलाहट के साथ कहता है, अरे बिंदु ये तुम कैसी बात कर रही हो, इस दिन का तुम्हें कब से इंतजार कर रहा था। कायर के कहते ही ढोल बजने शुरू हो जाते हैं। यामिनी के ना आने से युग का चेहरा पूरी तरह उतर चुका था। कायर युग की तरफ देखते हुए कहता है, युग देख अब मैं यामिनी का और इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मेरी बिंदु के साथ डांस करना है। एक काम करते हैं, हम दोनों अंदर जाते हैं डांस करने, जैसे ही यामिनी आए तू उसके साथ आ जाना, हम दोनों घेरे के पास में ही डांस करेंगे। बिंदु कायर को बीच में टोकते हुए कहती है, अरे कायर ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने दोस्त को इस तरह अकेला छोड़ दोगे। वैसे भी मुझे भी तो यामिनी से मिलना था, मैं भी तो देखूं कौन है वो यामिनी जिसके साथ अपना युग डांस करने वाला है। कायर ने बहुत कुछ बताया मुझे फोन पर यामिनी के बारे में, अब तो मेरी भी उससे मिलने की इच्छा हो रही है। कायर अपनी नजरें झुकाते हुए कहता है, अरे नहीं बिंदु तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि यामिनी का कुछ अता पता नहीं है वो आएगी या नहीं आएगी, और मुझे तो लग रहा है वो नहीं आने वाली, उसे आना होता तो वो अब तक आ चुकी होती। बिंदु बोलती है, पर कायर। बिंदु अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही योग उसे बीच में टोकते हुए कहता है, बिंदु कायर ठीक कह रहा है, तुम दोनों मेरी वजह से आज की रात खराब मत करो, डांस करने चले जाओ, सबको ये पल नसीब नहीं होते हैं और मैं कौन सा अकेला हूँ, यहाँ पर अभिमन्यु और कछुआ है ना मेरे साथ बातें करने के लिए। बिंदु उदासी के साथ कहती है, पर युग। युग फिर टोकते हुए कहता है, बिंदु मैंने कहा ना तुम दोनों जाओ तो प्लीज जाओ डांस करने अंदर, देखो लोगों ने डांस करना शुरू भी कर दिया, तुम भी जाकर करो, मुझे तुम दोनों को साथ में डांस करते हुए देखकर अच्छा लगेगा। युग के फोर्स करने पर बिंदु और कायर डांस करने चले जाते हैं और युग उदासी के साथ यामिनी के आने का इंतजार करने लग जाता है। इस तरफ हवेली के अंदर रजनी अमोदिता को ढूंढ रही थी पर वो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। रजनी अमोदिता को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई थी। रजनी अमोदिता को उसके कमरे के अंदर ढूंढते हुए कहती है, ये नालायक लड़की कहाँ चली गई, इसे बोला था 9 बजे तैयारी शुरू करनी है साधना की पर पता नहीं कहाँ मर गई है, ये लड़की भी ना बड़ी नालायक है, कुछ अता पता ही नहीं रहता इसका, काम के वक्त पता नहीं कहाँ मर जाती है, मोबाइल तो इसका यहीं पर रखा हुआ है, फिर मोबाइल के बिना ये कहाँ जा सकती है। शायद किचन में हो, कुछ ठूस रही हो, इसका मुंह जब देखो तब चलता रहता है। इतना कहकर रजनी अमोदिता के कमरे से बाहर निकल जाती है और किचन की तरफ जाने लगती है। अभी रजनी अमोदिता के कमरे से बाहर ही निकली थी और उसने 2-3 कदम आगे ही बढ़ाए थे कि तभी उसे एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, उसको मत बुलाओ, उसको मत बुलाओ। ये आवाज सुनकर रजनी के कदम अपने आप रुक जाते हैं, वो बड़बड़ाती है, ये आवाज तो उस पागल वंदना के कमरे से आ रही है, कहीं अमोदिता उसी के कमरे में तो नहीं है, उसके साथ बातें कर रही हो, वैसे भी आजकल बड़ा प्यार आता है उसे अपनी वंदना भाभी पर। इतना कहकर रजनी अपने कदम वंदना के कमरे की तरफ बढ़ाने लग जाती है। जैसे जैसे वो अपने कदम वंदना के कमरे की तरफ बढ़ाती जा रही थी फुसफुसाने की आवाजें तेज होती जा रही थी, मत बुला उसको, मत बुला उसको, यही आवाज वंदना के कमरे से सुनाई दे रही थी। जब रजनी वंदना के कमरे के अंदर घुसती है तो देखती है कि उसके कमरे के अंदर अंधेरा पसरा हुआ था और उसी अंधेरे कमरे में बेड पर वंदना बैठी हुई थी जो अपनी कमर दीवार से टिकाकर उसके सामने वाली दीवार को देखे जा रही थी और बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, उसको मत बुलाओ, उसको मत बुलाओ। रजनी वंदना को देखकर मन ही मन सोचती है, ये पागल जब देखो अंधेरे में क्यों बैठी रहती है, इसे अंधेरे से इतना प्यार है क्या, सही है जिसकी जिंदगी में अंधेरा हो वो उजाले में रहकर क्या करेगा। वंदना फिर बड़बड़ाती है, उसको मत बुलाओ, उसको मत बुलाओ। रजनी वंदना की बातों पर ध्यान नहीं देती है और अकड़ते हुए वंदना से पूछती है, ए पागल तूने अमोदिता को देखा क्या कहीं। वंदना फिर वही बात दोहराती है, उसको मत बुलाओ।
इस बार रजनी वंदना की बात पर ध्यान दे देती है और धीरे से वंदना से पूछती है, तू किसको नहीं बुलाने की बात कर रही है पागल? वंदना कुछ जवाब नहीं देती है। रजनी उसे एकटक नजर से देखती रहती है। कुछ देर रुककर वंदना फुसफुसाते हुए कहती है, कर्ण पिशाचिनी को, कर्ण पिशाचिनी को। वंदना के मुंह से ये बात सुनकर रजनी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। वो घबराते हुए मन ही मन सोचने लग जाती है, इस पागल को कैसे पता कि आज रात में कर्ण पिशाचिनी साधना करने जा रही हूँ, आखिर चक्कर क्या है? वंदना अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, उसको मत बुलाओ वरना उसका अंजाम ठीक नहीं होगा, वो आएगी तो लेकर जाएगी। वंदना की बात सुनकर रजनी के पसीने छूटने लग गए थे। वंदना फिर बड़बड़ाती है, वो आ गई तो लेकर जाएगी। रजनी मन ही मन सोचती है, ये पागल क्या लेकर जाने की बात कर रही है। वंदना फुसफुसाते हुए कहती है, कर्ण पिशाचिनी को मत बुलाओ वरना वो लेकर जाएगी। रजनी खुद से कहती है, इस पागल को कर्ण पिशाचिनी के बारे में कैसे पता चला, कहीं इसने मेरी और अमोदिता की बात तो नहीं सुन ली थी? हाँ जरूर सुन ली होगी, तभी तो ये उसका नाम बड़बड़ा रही है। रजनी वंदना को अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए कहती है, ए पागल तूने ये बात घर में किसी को बताई तो नहीं ना? वंदना कुछ जवाब देती उससे पहले ही कमरे की लाइट अपने आप चालू हो जाती है। जब वो अपनी नजरें स्विच बोर्ड की तरफ करती है तो देखती है कि वहां पर जानकी खड़ी हुई थी जिसने लाइट ऑन करी थी। जानकी को देखकर रजनी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो मन ही मन सोचने लग जाती है, कहीं भाभी ने मेरी और वंदना की बात सुन तो नहीं ली, अगर गलती से भी सुन ली होगी तो आज तो मेरी खैर नहीं। रजनी जानकी को देखकर इतना डर गई थी कि कुछ नहीं बोल पा रही थी। जानकी रजनी से पूछती है, क्या बताने की बात कर रही हो तुम रजनी? रजनी बहाना सोचते हुए हिचकिचाते हुए कहती है, वो भाभी मैंने ना अमोदिता के लिए मेले से एक सूट लिया था, तो अभी अमोदिता को बताया नहीं है पर वंदना को पता चल गया, तो वही पूछ रही थी कि उसने अमोदिता को बताया तो नहीं ना सूट के बारे में। जानकी हंसते हुए कहती है, अच्छा तो ये बात है, कुछ भी बोलो तुम ना अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हो, सबको तुम्हारी तरह मां मिले। रजनी शर्माते हुए कहती है, अरे वो तो भाभी बस ऐसे ही, कौन माँ अपनी औलाद से प्यार नहीं करती है, आप ही बताइए। वैसे मैं अमोदिता को ढूंढ रही थी, आपने उसे देखा क्या? जानकी कुछ याद करते हुए कहती है, अरे अमोदिता, हाँ दिखी थी ना मुझे, वो तो मेले गई है ना, तुम्हें बताकर नहीं गई क्या? रजनी गुस्से से मन ही मन सोचती है, ये अमोदिता की बच्ची मेरे मना करने के बावजूद मेले चली गई, इसके ना बहुत पंख निकल गए हैं, सारे पंख काटने पड़ेंगे। जानकी को अपने सामने देखकर रजनी अपना गुस्सा छुपाते हुए कहती है, अरे हाँ भाभी अमोदिता तो मुझे ही बताकर गई थी, पर मैं काम कर रही थी ना उस वक्त, तो ये बात मेरे दिमाग से ही निकल गई, आपको तो पता ही है मेरी अमोदिता मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करती है। हाँ वो तो है। रजनी अपनी भवे ऊपर उठाते हुए जानकी से पूछती है, वैसे आप यहाँ पर क्या करने आई हो भाभी, आप तो 8:30 बजे तक सो जाती है ना? हाँ सो गई थी पर फिर याद आया ये वंदना को दवाई देना भूल गई थी, वही देने आई हूँ, वरना मैं तो सो जाती पर इस बेचारी को रात भर नींद नहीं आती। रजनी मन ही मन सोचती है, हाँ दे दे इसे दवाई वरना पता नहीं कब ये जग कर हमारा भांडा फोड़ दे। रजनी जानबूझकर उबासी लेते हुए कहती है, अच्छा भाभी मैं जाती हूँ सोने, मुझे तो बहुत नींद आने लग गई है, अब मेरे सोने का वक्त हो गया है। इतना कहकर रजनी उस कमरे से बाहर निकलने जाती है और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लग जाती है। रजनी गुस्से से भर चुकी थी जिसके कारण उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। रजनी गुस्से से कही है, ये नालायक लड़की कलमुही कहीं की, इसे कहा था मेले मत जाना पर फिर भी इसने मेरी बात नहीं सुनी, अब क्या करूं मैं, वो नालायक तो अपना मोबाइल भी लेकर नहीं गई, अगर मेले गई और उसे लेकर आई तो बहुत देर हो जाएगी, कर्ण पिशाचिनी साधना की तैयारी हो ही नहीं पाएगी, और आज किसी भी कीमत पर मुझे ये साधना करनी है, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए। रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है कि वो क्या करे, कैसे अमोदिता को घर जल्द से जल्द बुलाए। तभी उसके दिमाग में ना जाने क्या आता है, वो झट से कहती है, हाँ अब मुझे वही करना पड़ेगा, उसके साथ भी कितना सोचो जादू टोना मत करो पर इंसान अपनी हरकतों के कारण करवा ही देते हैं, अब मुझे वही करना पड़ेगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है कि वो क्या करे, कैसे अमोदिता को घर जल्द से जल्द बुलाए। तभी उसके दिमाग में न जाने क्या आता है, वो झट से कहती है,
हाँ, अब मुझे वही करना पड़ेगा उसके साथ भी। कितना सोचो, जादू टोना मत करो, पर ये इंसान अपनी हरकतों के कारण करवा ही देते हैं। अब मुझे वही करना पड़ेगा, रजनी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है। आज अमोदिता को पता चल जाएगा कि उसकी माँ क्या चीज है, एक सौदाइन की बात ना मानने का क्या नतीजा होता है। इतना कहकर रजनी जल्दी जल्दी अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ाने लग जाती है। न जाने रजनी के दिमाग में अमोदिता को लेकर क्या चल रहा था, पर कुछ ऐसा चल रहा था जो वो अमोदिता के साथ नहीं करना चाहती थी, पर मजबूरन करना पड़ रहा था। इस तरफ मेले के अंदर डांस शुरू हो चुके थे। कायर और बिंदु साथ साथ पारंपरिक डांस करने लग गए थे, पर योग अभिमन्यु और कछुए के साथ उदास मुंह लेकर बैठा हुआ था। यामिनी अभी तक नहीं आई थी। इंतजार करते करते तीनों थक गए थे, पर यामिनी के आने का कहीं नामो निशान नहीं था। युग भी उसके आने की उम्मीद छोड़ चुका था। कछुआ उबासी लेते हुए कहता है, यार ये यामिनी आएगी ना? युग कुछ जवाब नहीं देता है। अभिमन्यु समझ जाता है कि युग बहुत अपसेट है, पर उसका हौसला बनाए रखने के लिए वो युग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ आएगी कछुए, यामिनी जरूर आएगी, क्यों है ना युग? युग कहता कुछ नहीं, बस उदासी के साथ हाँ में अपना सिर हिला देता है। कछुआ फिर कहता है, यार मुझे तो लगता है यामिनी नहीं आने वाली, अगर उसे आना ही होता तो अभी तक आ चुकी होती। एक और बात, कछुए ने इतना ही कहा था कि वो बोलते बोलते चुप हो जाता है। अभिमन्यु समझ जाता है कि कुछ ऐसी बात थी जो कछुआ बोलने से हिचकिचा रहा था। अभिमन्यु जानना चाहता था कछुए के मन में क्या चल रहा है, इसलिए वो उससे पूछ ही लेता है, कौन सी बात, बोल रुक क्यों गया? कछुआ युग की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं रहने दे यार, वरना युग बुरा मान जाएगा। अभिमन्यु कछुए को समझाते हुए कहता है, अरे वो नहीं मानेगा बुरा, मैं हूं ना, तू बस बोल क्या बोलने वाला था तू। जब युग कुछ रिएक्ट नहीं करता तो कछुए के अंदर थोड़ी हिम्मत आ जाती है। वो धीरे धीरे बोलता है, वो यार मैं बोल रहा था कि युग, यामिनी सच में है ना? कछुए की बात सुनकर युग झट से बोल पड़ता है, सच में है ना से तेरा क्या मतलब है? कछुआ हिचकिचाते हुए जवाब देता है, मतलब ये है यामिनी तेरी कोई इमेजिनेशन तो नहीं है? युग गुस्सा करते हुए कहता है, तू ऐसे कैसे बोल रहा है कछुए? कछुआ फटाक से बोल पड़ता है, जैसे उसके पास इस सवाल का जवाब पहले से ही तैयार था। वो इसलिए यार क्योंकि यामिनी को आज तक सिर्फ तूने ही देखा है ना, हमें से किसी ने नहीं देखा, तो बस लगा कहीं तुझे कोई बीमारी तो नहीं है जिससे जिसमें वो जो नहीं होता वो भी हमें लगने लग जाता है वाली बीमारी। एक तो यामिनी के ना आने से युग पहले ही गुस्सा था, ऊपर से कछुए के ऐसे सवालों से युग का दिमाग भन्ना जाता है। युग कछुए पर चीखते हुए कहता है, कछुए तू पागल तो नहीं हो गया है, ये कैसी बातें कर रहा है तू? मुझे कोई बीमारी बीमारी नहीं है, समझा? यामिनी कोई मेरी इमेजिनेशन नहीं है, उसका सच में वजूद है, रुक जा आती होगी वो, और अगर तुझसे उसका इंतजार नहीं हो रहा हो, भूख लग रही हो तो जाकर खाना खा, पर मेरा दिमाग मत खा। युग को गुस्सा करते हुए देख कछुआ चुप हो जाता है। वैसे अभिमन्यु को भी कछुए की बातें काफी हद तक ठीक लग रही थी, पर वो जानता था अभी युग का दिमाग वैसे ही गर्म है और इस वक्त उससे कुछ भी बोलना बेकार है, इसलिए वो चुप रहना ही बेहतर समझता है। युग, कायर और अभिमन्यु यामिनी के आने का इंतजार ही कर रहे थे कि तभी कछुए का मोबाइल बजने लग जाता है। जब कछुए की नजर उसके मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ती है तो वो देखता है कि उसे उसकी माँ का फोन आ रहा था। कछुआ अपना फोन उठाते हुए कहता है, हाँ माँ बोलो, क्या है, क्यों फोन किया, क्या शिट। जैसे जैसे कछुआ फोन पर बातें करते जा रहा था उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। कछुआ फोन पर बात करते हुए घबराते हुए कहता है, माँ तुम घबराओ मत, मैं अभी आता हूँ, मैं पास में ही हूँ, दादी को कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर कछुआ फोन कट कर देता है। जैसे ही कछुआ फोन कट करता है अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ कछुए से पूछता है, क्या हुआ कछुआ, सब कुछ ठीक तो है, तू इतना घबरा क्यों रहा है? कछुआ बौखलाहट के साथ जवाब देता है, कुछ ठीक नहीं है यार, दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, उन्हें अभी इसी वक्त हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा वरना पता नहीं क्या हो जाएगा, पापा भी घर पर नहीं है। अभिमन्यु कछुए को दिलासा देते हुए कहता है, तू घबरा मत कछुए, सब ठीक हो जाएगा, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, तू अकेले सब कुछ कैसे करेगा? युग भी बीच में बोल पड़ता है, मैं भी चलता हूँ तुम दोनों के साथ। कछुआ युग को मना करते हुए कहता है, अरे नहीं युग तू रहने दे, अगर यामिनी आ गई तो, और उसे तू नहीं मिला तो फिर पता नहीं वो तुझसे मिले या नहीं, वैसे भी ये अभिमन्यु चल रहा है ना मेरे साथ, तुझे तो पता है हॉस्पिटल में ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं करते हैं। युग कछुए की बात मानते हुए कहता है, ठीक निकलो तुम दोनों फिर, और यदि मेरी कोई जरूरत पड़े तो बता देना, मैं भी आ जाऊंगा। कछुआ और अभिमन्यु वहां से निकल जाते हैं और युग वहीं पर बैठे बैठे यामिनी के आने का इंतजार करने लग जाता है। इस तरफ हवेली के अंदर रजनी तहखाने के अंदर अकेली बैठी हुई थी। तहखाने में सिर्फ दो मशाल चल रही थी जिसका उजाला तहखाने के मध्य भाग में फैला हुआ था, बाकी सब जगह अंधेरा छाया हुआ था।
रजनी पालथी मारकर फर्श पर बैठी हुई थी। वहीं पर कुमकुम से एक वृत्त बना हुआ था जिसके ऊपर एक और बड़ा सा वृत्त बना हुआ था। वृत्त के ऊपर कमल की 10 पत्तियां बनी हुई थी। उन 10 पत्तियों में प्राण शक्ति के नाम लिखे हुए थे जिसमें क्रमशः प्राण, अपमान, समान, व्यान, उदान, नाग, कुर्मक, क्रिकर, देवदत्त, धनंजय नाम लिखे हुए थे। कमल की पत्तियों के बाहर चतुरस्त्र बना हुआ था। कमल की पत्तियों के एकदम बीचों बीच अमोदिता का दुपट्टा, उसके 2 बाल, रसोई की कालिक, कुम्हार के चाक की मिट्टी, वृक्ष की छाल, सेंधा नमक, हींग, सौंठ, लहसुन रखा हुआ था। रजनी पालथी मारकर वहीं पर बैठी हुई थी। रजनी अमोदिता के बालों को छोड़कर उन सामान को आपस में एक छोटे से पत्थर की मदद से कूट लेती है और उससे एक पुतली बनाती है। वो पुतली एकदम अमोदिता की तरह लग रही थी। रजनी ने उस पुतली को कपड़े भी अमोदिता की तरह ही पहनाए थे। उसका फेस कट सब अमोदिता की तरह था। रजनी अमोदिता के बाल को उस पुतली के बाल की जगह लगाते हुए कहती है, बन गई अमोदिता की पुतली, अब होगा पुतली टोना, वो भी अमोदिता के ऊपर। तूने मेरा कहा नहीं माना ना, अब देख अमोदिता उसका अंजाम, तू कैसे यहाँ पर दौड़े चली आती है। इतना कहकर रजनी अमोदिता की पुतली को उस वृत्त के एकदम बीचों बीच रख देती है। रजनी अपनी आंखें बंद करती है और ध्यान मुद्रा में बैठकर मंत्र पढ़ने लग जाती है। रजनी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, जंगल की योगिनी, पाताल के नाग, उठ मेरे वीर, अमोदिता लाओ मेरे पास, जहां जहां जावे मेरे सही तहा तहा, आव काज भरी नाज भरी, अंतसो नगरी तक नफे तक, एक पूर्व मंत्र इसरो बचा, मेरे गुरु का बचन सच, जो न जाए वीर गुरु गोरखनाथ की दुहाई। इतना कहकर रजनी अपनी आंखें खोलती है। रजनी के सामने ही एक तेज धार वाला चाकू रखा था। रजनी उसे उठाती है, उससे अपनी उंगली को काटती है। जैसे ही उसका खून निकलने लग जाता है, वो झट से अपनी खून की बूंदे अमोदिता की पुतली पर झटक देती है। अमोदिता की पुतली पर रजनी के खून की बूंदे जाकर गिर जाती है। रजनी अगला मंत्र पढ़ते हुए कहती है, अमुष्य प्राण इह प्राणा, अमुष्य जीव इह स्थित, अमुष्य सर्वन्द्रियानी, अमुष्य वामन प्राणा, इहायांतु स्वाहा। रजनी लगातार मंत्र पढ़ना जारी रखती है। इस तरफ मेले में योग यामिनी का इंतजार करते करते थक गया था, पर यामिनी अभी तक नहीं आई थी। योग यामिनी के आने की सारी उम्मीदें खो चुका था, पर तब भी वो वहीं पर बैठा हुआ था। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें पता होता है जिस शख्स का हम इंतजार कर रहे हैं वो नहीं आने वाली, पर फिर भी हम दिल में एक उम्मीद जगाए वहां पर बैठे रहते हैं। इस आस से शायद तकदीर की लकीरें बदल जाएं और वो आ जाए। और आज योग भी यहाँ पर बैठकर अपनी तकदीर को ही आजमा रहा था। इंतजार करते करते 1 घंटा और बीत जाता है, पर यामिनी अभी भी नहीं आती है। अब तो योग ने भी उसके आने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, क्योंकि बहुत जल्द डांस खत्म होने वाले थे और पहले दिन का वांगला उत्सव खत्म होने वाला था। अब योग को भी लगने लग गया था कि यामिनी नहीं आने वाली, उसका इंतजार करना बेकार है, इसलिए वो अपनी जगह पर से जाने के लिए उठने लग जाता है। युग बिना कायर और बिंदु को बताए ग्रेवयार्ड कोठी जाने का मन बना लेता है। उन्हें बताकर वो उनका मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अकेले ही अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। अभी युग ने 1-2 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसे लड़की की आवाज सुनाई देती है, युग बाबू, ओ युग बाबू। लड़की की आवाज सुनकर युग रुक जाता है और खुद से कहता है, ये आवाज तो। लड़की की फिर आवाज सुनाई देती है, अरे युग बाबू रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं आप। युग खुद से कहता है, अरे ये आवाज तो यामिनी की है। इतना कहकर युग खुशी खुशी पीछे मुड़ने लग जाता है, पर जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे यामिनी कहीं दिखाई नहीं देती है। युग वापस से उदास हो जाता है। युग अपनी नजरें लेफ्ट राइट करते हुए कहता है, अरे यामिनी तो यहाँ पर है ही नहीं, शायद मेरा वहम था, मुझे भी ना पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये यामिनी के ख्यालों में कुछ ज्यादा ही खो रहा हूं मैं, इसका कुछ करना पड़ेगा। ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए युग वापस से आगे पलटने लग जाता है, पर जैसे ही युग आगे पलटता है उसकी उदासी उसके चेहरे पर से गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर एक रौनक आ जाती है। उसका चेहरा सूरज की तरह तेज चमकने लग जाता है। उसके सामने और कोई नहीं, यामिनी खड़ी हुई थी, जिसे देखकर युग खुशी से फूले नहीं समा रहा था। यामिनी किसी परी की तरह खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर युग भूल सा गया था कि वो उस पर गुस्सा था। यामिनी ने अपने बदन पर काले रंग का जेंसेम पहना हुआ था, जो कि 1-2 टुकड़े वाला वस्त्र होता है जिसे प्रत्येक कंधे पर पिन किया जाता है। कमर के नीचे वाले हिस्से में यामिनी ने इनकिन लपेटा हुआ था, जो कि 1 शॉल थी। यामिनी ने अपने गले में कानूपद पहना हुआ था, जो कि मूंगे की माला होती है। उसने कान के ऊपर हिस्से में सोने की तरह चमकने वाली गोल बाली पहनी हुई थी, जो कि लकड़ी की तरह होती है, जिसे मेघालय में वाहडोंग बोलते हैं। युग यामिनी की खूबसूरती को बस निहारते ही जा रहा था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। यामिनी ही युग को टोकते हुए कहती है, अरे युग बाबू, अब बस आप मुझे ताड़ते ही रहोगे या डांस करने के लिए भी चलोगे आप मेरे साथ।
यामिनी की बात सुनकर युग अपने ख्यालों की दुनिया में से बाहर आ जाता है और उसे याद आता है कि वो यामिनी से गुस्सा था उसके लेट आने के कारण। युग कुछ जवाब नहीं देता है, बस अपने हाथ को आजू बाजू बांध लेता है और मुंह फुला लेता है। यामिनी युग का चेहरा देखकर समझ जाती है कि युग उससे नाराज है। यामिनी युग को मनाते हुए कहती है, अच्छा तो युग बाबू नाराज हैं हमसे, कोई हमें बताएगा युग बाबू क्यों नाराज हैं हमसे? युग कुछ जवाब नहीं देता है, बस यामिनी से अपनी नजरें फेर लेता है। यामिनी फिर युग के चेहरे के सामने जाकर बड़े ही प्यार से बोलती है, युग बाबू आप क्यों नाराज हैं हमसे? आप बताएंगे भी या नहीं, या यूं ही बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बैठे रहेंगे? ज्यादा मुंह नहीं फुलाना चाहिए वरना मुंह फूल जाता है। इतना कहकर यामिनी हंसने लग जाती है, पर युग बिल्कुल नहीं हंसता है। वो यामिनी से अभी भी नाराज था। वो कुछ नहीं बोलता है। ये क्या है युग बाबू, कुछ तो बोलिए, ऐसे चुप मत बैठिए, आपकी चुप्पी मुझे सता रही है। युग फिर यामिनी से अपनी नजरें फेर लेता है और दूसरी साइड देखने लग जाता है। इस बार यामिनी को भी गुस्सा आ जाता है। यामिनी युग से नाराज होते हुए कहती है, अच्छा ठीक है युग बाबू, आपको मुझसे बात नहीं करनी तो मत कीजिए, मैं भी जा रही हूँ। सोचा था यहाँ पर आकर आपके साथ डांस करूंगी, पर आप तो मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं। मैं ही पागल थी जो आपके लिए इतना तैयार होकर आई हूँ, जा रही हूँ मैं, रहिए मुंह फुलाकर। युग को यामिनी के जाने के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है। वो बौखलाहट के साथ पीछे मुड़ता है और देखता है कि यामिनी उसके पीछे ही खड़ी हुई थी और उसकी सूरत देखकर हंसे जा रही थी। यामिनी हंसते हुए कहती है, मुझे पता है युग बाबू आप मुझसे रूठ सकते हैं पर मुझसे दूर नहीं जा सकते। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, आपको क्या लगा मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाने वाली, आप चाहोगे तब भी नहीं। युग चुप ही रहता है। यामिनी युग से पूछती है, ये बताइए आप नाराज क्यों हैं मुझसे युग बाबू? युग रूठे हुए लहजे में जवाब देता है, नाराज नहीं हूं तो क्या हूं यामिनी, तुम ही बताओ मैं कब से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ और तुम हो कि इतनी लेट आ रही हो, ये भी कोई वक्त है क्या आने का? यामिनी युग को समझाते हुए कहती है, युग बाबू मैं क्या करती आप ही बताइए, आपको पता है ना मैं एक मछुआरन हूँ, अपने बाबा का पेट भरना पड़ता है इसलिए पहले सारे काम निपटाए, कल के लिए मछलियां पकड़ी, फिर आई हूँ यहाँ पर आपके साथ डांस करने। अच्छा हाँ, अब आप ज्यादा देर मत कीजिए, जल्दी से चलिए डांस करने। हाँ चलो मैं तुम्हें बिंदु और कायर से भी मिलवा देता हूँ, वो भी यहीं पर है। यामिनी घबराते हुए कहती है, नहीं मुझे उनसे नहीं मिलना। युग हैरानी के साथ पूछता है, पर क्यों यामिनी तुम मेरे दोस्तों से क्यों नहीं मिलना चाहती, तुम आज तक उनसे कभी नहीं मिली हो? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। युग हैरानी के साथ पूछता है, पर क्यों यामिनी तुम मेरे दोस्तों से क्यों नहीं मिलना चाहती, तुम आज तक उनसे कभी नहीं मिली हो? यामिनी युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, उससे अपनी नजरें चुराने लग जाती है। युग यामिनी पर दबाव बनाते हुए उससे पूछता है, बोलो यामिनी तुम चुप क्यों हो गई, तुम मेरे दोस्तों से क्यों नहीं मिलना चाहती हो? युग के जोर देने पर यामिनी बहाना बनाते हुए कहती है, वो बस ऐसे ही युग बाबू। युग समझ जाता है कि यामिनी बहाना बना रही है, वो उससे फिर पूछता है, नहीं यामिनी ऐसे ही तो नहीं, आज तक तुम मेरे दोस्तों से कभी नहीं मिली हो, आखिर उनसे मिलने में तुम्हें क्या हर्ज है? यामिनी युग को समझाते हुए कहती है, युग बाबू मैंने कब मना किया, मैं मिल लूंगी आपके दोस्तों से पर अभी नहीं, क्योंकि एक दो घंटे बाद ही डांस खत्म होने वाले हैं और मैं आपके साथ जी भर कर डांस करना चाहती हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है, फिर ठीक है चलो पहले हम डांस कर लेते हैं फिर कायर और बिंदु से मिलेंगे, हो सकता है कि डांस करते करते वो दोनों हमें अंदर ही घेरे में मिल जाए। यामिनी बड़बड़ाती है, वो दोनों तो नहीं मिलने वाले। युग झट से पूछता है, क्या बोला तुमने यामिनी? यामिनी बड़ी चालाकी से बात को बदलते हुए कहती है, मैंने बोला युग बाबू अब चलें डांस करने के लिए। इतना कहकर यामिनी अपने राइट हैंड को आगे बढ़ा देती है। युग यामिनी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, हाँ चलो यामिनी। जब युग यामिनी के कोमल हाथों को छूता है तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी परी के हाथों को छू रहा हो, जिसके हाथ फूलों की तरह कोमल थे। युग और यामिनी अंदर घेरे में जाकर साथ साथ डांस करने लग जाते हैं। इस तरफ अमोदिता धड़ाधड़ अपने कदम मेले की ओर बढ़ाते जा रही थी, वो जल्द से जल्द मेले में पहुंचना चाहती थी। अमोदिता अपने कदम मेले की ओर बढ़ाते हुए कहती है, उस कुत्ते की वजह से मुझे देर हो गई, पता नहीं कहां से आ जाता है बार बार मेरे सामने, किसी दिन मेरे हाथ लग गया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बेचारे युग जी पता नहीं कब से मेरा इंतजार कर रहे होंगे, अब तक तो वो बोर हो गए होंगे।
यही सब बड़बड़ाते हुए अमोदिता आगे बढ़ते जा रही थी। कुछ ही देर में अमोदिता मेले के पास पहुंच जाती है। ढोलों के बजने की आवाज जोर जोर से सुनाई दे रही थी, जिसकी ताल सुनकर अमोदिता के पैर भी अपने आप डांस करने के लिए थिरकने लग गए थे। अमोदिता मन ही मन सोचती है, अब मेले तो पहुंच ही चुकी हूँ, मैं एक काम करती हूँ, युग जी के साथ डांस ही कर लूंगी। माँ को कौन सा पता चलने वाला है, उन्हें तो यही लगेगा कि मेरे पैर में मोच लगी है। उन्हें क्या पता कि वो मोच तो कब की ठीक हो चुकी है। कितना मजा आएगा जब युग जी और मैं साथ साथ डांस करेंगे। अमोदिता मन ही मन ख्याली पुलाव पकाने लग जाती है और यही सब सोचते हुए मेले के अंदर घुस जाती है। अमोदिता मेले में युग को ढूंढने लग जाती है, पर युग उसे नहीं मिलता है। अमोदिता युग को खाने पीने के स्टॉल की तरफ ढूंढते हुए खुद से कहती है, ये युग जी तो यहाँ पर भी नहीं है, फिर कहाँ होंगे? कहीं वो वापस से ग्रेवयार्ड कोठी तो नहीं पहुंच गए? नहीं नहीं, मैंने युग जी से बोला था कि मैं आऊंगी, और मुझे पता है युग जी मेरे वापस आने का इंतजार जरूर करेंगे। वो मुझसे मिले बिना ऐसे नहीं जा सकते हैं। मैं तो मोबाइल भी नहीं लाई कि फोन करके पूछ लूं युग जी से कि वो कहां पर हैं। अब मैं क्या करूं? अमोदिता सोचने लग जाती है कि वो क्या करे, कैसे युग को ढूंढे। इतने बड़े मेले में अकेले युग को ढूंढना मुश्किल था। तभी उसका दिमाग चलता है और वो सोचती है, कहीं युग जी जहां पर डांस हो रहे हैं वहां पर तो नहीं होंगे? हाँ, वहीं पर होंगे। मैंने उनसे बोला भी तो था कि साथ में डांस देखेंगे। हो सकता है युग जी वहीं पर मेरा इंतजार कर रहे हो। इतना सोचकर अमोदिता जल्दी जल्दी अपने कदम उस ओर बढ़ाने लग जाती है जहां पर डांस हो रहे थे। जब अमोदिता वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि उस गोल घेरे में बहुत सारे लोग जोड़ी में डांस कर रहे थे। वहीं पर 100 ढोल भी थे जो एक साथ बज रहे थे। स्टेज पर से संगीतकार मेघालय के लोक गीत गा रहे थे। अमोदिता अपना सिर पकड़ते हुए कहती है, अब यहाँ पर कैसे ढूंढूं मैं युग जी को? मेरी मुसीबतें तो बढ़ती जा रही हैं, क्या करूं मैं? अमोदिता गोल घेरे का एक पूरा चक्कर मार लेती है, पर युग उसे वहां पर भी नहीं मिलता है। अमोदिता घेरे का एक और चक्कर लगाते हुए कहती है, युग जी तो यहाँ पर भी नहीं है, फिर कहाँ पर होंगे वो? यही सोचते हुए अमोदिता घेरे का एक और चक्कर लगा ही रही थी कि तभी उसे घेरे के अंदर युग दिखाई देता है, जो कि बड़े ही खुश होकर डांस कर रहा था। अमोदिता युग को दूर से घूरते हुए कहती है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही, ये युग जी है ना? इतना कहकर अमोदिता अपनी आंखें मलती है, पर उसके सामने का दृश्य नहीं बदलता है। युग अभी भी डांस कर रहा था। घेरे में गर्दिश होने की वजह से अमोदिता को दिखाई नहीं दे रहा था कि युग किसके साथ डांस कर रहा था। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, ये तो युग जी ही है, पर ये किसके साथ डांस कर रहे हैं, वो भी इतने मटक मटक कर। अमोदिता देखना चाहती थी कि युग किसके साथ डांस कर रहा था, इसलिए अमोदिता घेरे के पास जाने लग जाती है। जब वो घेरे की रस्सी के एकदम नजदीक पहुंचती है तो देखती है कि युग यामिनी के साथ डांस कर रहा था। अमोदिता यामिनी को देखते हुए खुद से कहती है, ये लड़की कौन है जिसके साथ युग जी डांस कर रहे हैं, और युग जी इस लड़की को कैसे जानते हैं? आज तक तो मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। ये गाँव की है या बाहर की? कपड़ों से तो गाँव की ही लगती है। अमोदिता यामिनी को देखकर उससे जलने लग गई थी। वो युग को यामिनी के साथ डांस करते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए अमोदिता घेरे की रस्सी के अंदर घुसकर युग के पास जाने लग जाती है। अमोदिता युग के पास जाते हुए कहती है, ये लड़की है कौन? इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे युग जी के साथ डांस करने की? युग जी पर बस मेरा हक है और किसी का नहीं। इस तरफ रजनी तहखाने के अंदर अमोदिता की पुतली पर लगातार मंत्र पढ़े जा रही थी। रजनी ध्यान मुद्रा में बैठी हुई थी, तभी वो धीरे से अपनी आंखें खोल लेती है। रजनी अमोदिता की पुतली को उठाती है और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहती है, काली दुनिया के काले रिवाज, जो जाने जो माने करे राज। जैसे ही रजनी ये बात तहखाने में बोलती है, मेले के अंदर अमोदिता को ये आवाज सुनाई देने लग जाती है। अमोदिता बड़बड़ाती है, ये कैसी आवाज थी? ये तो माँ की आवाज थी, पर माँ तो यहाँ पर है ही नहीं, फिर मुझे उनकी आवाज कैसे सुनाई दे सकती है? अमोदिता अपने आसपास देखने लग जाती है। जब उसे उसकी माँ दिखाई नहीं देती है तो वो खुद से कहती है, जरूर ये सब मेरा वहम है और कुछ नहीं। माँ यहाँ पर कैसे हो सकती है? वो तो घर पर होगी और मुझे गालियां बक रही होंगी क्योंकि मैं वहां पर नहीं हूँ, यहाँ पर युग जी से मिलने आ गई। इतना कहकर अमोदिता वापस से अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। अभी उसने एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि फिर उसे रजनी की आवाज सुनाई देती है, नालायक लड़की, मैं तेरी माँ ही हूँ, तुझे क्या लगा तू मुझे बिना बताए मेले चली जाएगी और मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? जाने दूंगी, मैं सौदाइन हूँ, सौदाइन, तुझे पता है ना, सौदाइन कुछ भी कर सकती है। रजनी की बात सुनकर अमोदिता घबराने लग जाती है। वो मन ही मन सोचने लग जाती है, ये माँ ने अब कौन सा टोटका कर दिया है मुझ पर, मुझे उनकी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? अमोदिता हकलाते हुए कहती है,
वो माँ मुझसे गलती हो गई, माँ मुझे माफ़ कर दो, तुमको तो पता है मैं अभी नादान हूँ और नादानी में मुझसे गलती हो गई। रजनी की चिल्लाते हुए आवाज़ सुनाई देती है, नादान और तू चालाक लोमड़ी कहीं की, तू बस एक बार घर आ तेरी सारी नादानियाँ निकाल दूंगी मैं। माँ माफ़ कर दीजिए ना मुझे, मैंने कहा ना घर आ चुपचाप। हाँ माँ आती हूँ, बस देख लूँ युग जी किस लड़की के साथ डांस कर रहे हैं। युग वुग को छोड़ और जल्दी से घर आ, ये बहाना बनाना बंद कर। माँ बहाना नहीं बना रही, सच में युग जी किसी लड़की के साथ डांस कर रहे हैं और मुझे जानना है कि वो लड़की कौन है। मैंने कहा ना तू घर जल्दी आ, कर्ण पिशाचनी साधना करनी है। रुक रुक जा तू, ऐसे नहीं मानने वाली, अभी बताती हूँ तुझे। रजनी के हाथों में अमोदिता की पुतली अभी भी रखी हुई थी। रजनी अमोदिता की पुतली को घूरते हुए कहती है, रुक जा अमोदिता की बच्ची, तू ऐसे नहीं मानने वाली, तुझे आज बताना ही पड़ेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर रजनी मंत्र पढ़ते हुए अमोदिता की पुतली का दायां हाथ मरोड़ने लग जाती है। इस तरफ रजनी अमोदिता की पुतली का दायां हाथ मरोड़ रही थी और दूसरी तरफ अमोदिता को दर्द हो रहा था। वो पुतली अमोदिता से जुड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे उस पुतली के अंदर अमोदिता की जान समाहित हो गई हो। अमोदिता कराहते हुए कहती है, आह मेरा हाथ, ये क्या हो रहा है मेरे हाथ को, बहुत दर्द हो रहा है, आह माँ। रजनी की हंसते हुए आवाज सुनाई देती है, आ गया मजा, देख लिया मेरी बात ना मानने का क्या नतीजा होता है। अमोदिता रोते हुए कहती है, रुक जाइए माँ दर्द हो रहा है। अगर और दर्द नहीं सहना चाहती तो चुपचाप जल्दी से घर आ, या फिर तेरे दूसरे हाथ का भी यही हाल करूं। अमोदिता रोते हुए कहती है, नहीं माँ मैं आती हूँ वरना तुम तो मेरा हाथ तोड़ ही दोगी। जल्दी से घर आ, यहाँ पर मैं कर्ण पिशाचनी साधना की तैयारी शुरू कर रही हूँ, रास्ते में कहीं मत रुकना, अगर रुकी तो तू जानती है मैं तेरा क्या हाल करूंगी। हाँ माँ मैं कहीं नहीं रुकूंगी, प्रॉमिस, बस पहले मेरा हाथ सीधा कर दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। इस तरफ रजनी अमोदिता की पुतली का हाथ सीधा करती है तो दूसरी तरफ अमोदिता का हाथ सीधा हो जाता है, अब उसे दर्द नहीं हो रहा था। रजनी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अमोदिता समझ जाती है कि रजनी ने कर्ण पिशाचनी साधना की तैयारी शुरू कर दी होगी। अमोदिता बेफिक्र होकर बड़बड़ाती है, ये माँ ने पता नहीं मुझ पर कौन सा टोना कर दिया, ऊपर से ये युग जी पता नहीं किस लड़की के साथ डांस कर रहे हैं। इस डैन को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले घर जाती हूँ वरना माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। इतना कहकर अमोदिता वापस से अपने पैर पीछे खींच लेती है और बिना ये जाने कि युग किस लड़की के साथ डांस कर रहा था अपने घर की ओर जाने लग जाती है। यामिनी युग के साथ डांस कर रही थी। युग यामिनी के साथ डांस करते वक्त सब कुछ भूल गया था, उसे तो लग रहा था कि वहां पर बस यामिनी और वो ही है और कोई नहीं। यामिनी डांस करते हुए युग से बोलती है, वैसे युग बाबू आप एक ही दिन में बहुत अच्छा डांस करना सीख गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आपको मेघालय का डांस पहले से आता था। युग यामिनी की तरफ देखते हुए जवाब देता है, अब तुमने इतने प्यार से सिखाया ही था यामिनी, तो एक बार में तो सीखना ही था, वैसे तुम बहुत अच्छी टीचर हो। यामिनी शर्माते हुए कहती है, और आप एक अच्छे स्टूडेंट, वैसे मैं आपको और भी बहुत कुछ सिखा सकती हूँ। अच्छा क्या सिखाओगी? ऐसी चीज जो बताई नहीं जाती। इतना कहकर यामिनी चुप हो जाती है। युग बड़बड़ाता है, ऐसी कौन सी चीज है जो बताई नहीं जाती, बस सिखाई जाती है। यामिनी बात को बदलते हुए कहती है, युग बाबू आप भी ना कहाँ लग गए, जब मैं सिखाऊंगी तब खुद देख लेना, अभी आप सिर्फ मेरे साथ डांस कीजिए और कहीं ध्यान मत दीजिए। युग चुपचाप यामिनी के साथ डांस करने लग जाता है। धीरे धीरे युग भी यामिनी को पसंद करने लग गया था। प्यार ऐसा ही होता है जो एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे होता है और जब होता है तो कभी खत्म नहीं होता है। इस तरफ तहखाने के अंदर रजनी अभी भी फर्श पर बैठी हुई थी, उसके हाथ में अमोदिता की पुतली थी जिसका उसने हाथ सीधा कर दिया था। रजनी फर्श पर से उठते हुए कहती है, चलो ये नालायक अमोदिता तो कुछ ही देर में आ जाएगी, पर उससे पहले मैं उसकी इस पुतली को छुपा देती हूँ, अगर उसने इसे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, वो समझ जाएगी कि मैंने उसके ऊपर पुतली टोना किया था। रजनी तहखाने में ही अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, इस अमोदिता की पुतली को भी वहीं पर रख देती हूँ जहाँ पर वो रखे हैं। इतना कहकर रजनी तहखाने में रखी उस संदूक के पास पहुंच जाती है जहां पर पिछली बार अमोदिता को जादू टोने की किताब मिली थी और जिसके पीछे वो छुप गई थी। रजनी संदूक के पास जाकर नीचे बैठने लग जाती है। संदूक पर एक बड़ा सा पुराने जमाने का ताला लगा हुआ था। रजनी संदूक को देखते हुए कहती है, इस संदूक की चाबी नहीं है वरना ये पुतली इसी के अंदर रख देती, पता नहीं किसके पास है इस संदूक की चाबी, कितनी भी खोलने की कोशिश करो पर खुलती ही नहीं है। रजनी संदूक के नीचे हाथ डालती है और उसके नीचे से एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स निकालती है जो करीब 30 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। वो बॉक्स बहुत पुराना लग रहा था जिस पर धूल जमी हुई थी। रजनी उस बॉक्स पर फूंक मारती है और उस बॉक्स को साफ करने लग जाती है। रजनी धीरे से उस बॉक्स को खोलती है।
जब वो बॉक्स खुलता है तो हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर दिलीप की, सुदेश की, जानकी की, वंदना की पहले से पुतली रखी हुई थी। उसने अपने पूरे परिवार वालों की पुतली बनाकर रखी हुई थी। उन्हीं सब पुतलियों के बीच रजनी अमोदिता की पुतली रख देती है और बॉक्स को बंद कर देती है। रजनी उस बॉक्स को वापस से संदूक के नीचे रख देती है जहां से उसने वो बॉक्स निकाला था। अभी रजनी उस बॉक्स को रख कर खड़ी होकर पीछे घूमी ही थी कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके पैर कांपने लग गए थे। रजनी को आज से पहले किसी ने इतना डरा हुआ नहीं देखा था। रजनी के पीछे और कोई नहीं, वंदना खड़ी हुई थी। वंदना रजनी को घूरते हुए कहती है, मैंने सब कुछ देख लिया, अब मैं ये सबको बता दूंगी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। वंदना रजनी को घूरते हुए कहती है, मैंने सब कुछ देख लिया, अब मैं ये सबको बता दूंगी। वंदना को वहां पर देखकर रजनी की बोलती बंद हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वंदना वहां पर अचानक से कहां से आ गई थी। रजनी मन ही मन सोचती है कि पागल कहां से टपक पड़ी, इसे तो जानकी भाभी ने दवाई दी थी ना, फिर उस हिसाब से तो इसे अभी तक सो जाना चाहिए। जरूर इस पागल ने कोई चालाकी करके वो दवाई नहीं खाई होगी। खाने का नाटक तो किया होगा पर दवाई फेंक दी होगी। अगर दवाई खाली होती तो ये यहां पर नहीं होती, अपने बिस्तर पर सो रही होती। वंदना फिर बड़बड़ाती है, मैं सब कुछ बता दूंगी, मैंने सब कुछ देख लिया है। रजनी घबराते हुए खुद से कहती है, अब इस पागल का क्या करूं मैं, अगर इसने किसी को बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, सबको इस तहखाने का पता चल जाएगा। वंदना फिर कहती है, मैं सबको बता दूंगी कि तू यहां पर क्या करती है। रजनी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसे जल्द से जल्द कुछ करना था। अगर वंदना शोर करना शुरू कर देती तो सारा खेल वहीं पर खत्म हो जाता और उसका भांडा फूट जाता। वंदना अपनी भवें ऊपर नीचे करते हुए कहती है, मैं अभी सबको बुला कर लाती हूँ, मैं सबको बता दूंगी कि तू सब पर पुतली टोना करती है। रजनी मन ही मन सोचती है, इस पागल को कैसे पता कि यह पुतली टोना है, कहीं ये पागल बस पागल होने का नाटक तो नहीं करती है। वंदना तहखाने से वापस जाने के लिए पीछे मुड़ने लग जाती है। रजनी घबराते हुए खुद से कहती है, मैं क्या करूं, ये पागल तो ऊपर जा रही है, अगर ऊपर जाकर इसने किसी को भी बता दिया तो मेरी खैर नहीं। रजनी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तभी उसका दिमाग चलता है। वो झट से नीचे झुकती है और वही लकड़ी का बॉक्स जो उसने अभी कुछ देर पहले संदूक के नीचे छुपाया था उसे बाहर निकालती है और अपनी पूरी ताकत के साथ वंदना के सिर पर दे मारती है। जैसे ही वो बॉक्स वंदना के सिर पर पड़ता है, वंदना अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ती है और धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है। वंदना वहीं पर बेहोश हो जाती है। रजनी वंदना को देखते हुए कहती है, बड़ी आई थी सबको बताने वाली, मैं भी देखती हूँ कैसे तू सबको बताती है, सुबह तक तू किसी को कुछ बताने लायक नहीं रहेगी। इस तरफ युग और यामिनी बड़े ही प्यार से अभी तक डांस कर रहे थे। दोनों की एक दूसरे से नजरें ही नहीं हट रही थी। युग यामिनी में खो गया था और यामिनी युग में। दोनों साथ साथ डांस ही कर रहे थे कि तभी यामिनी डांस करते करते रुक जाती है। यामिनी को यूं अचानक रुकता हुआ देखकर युग यामिनी से पूछता है, क्या हुआ यामिनी, तुम रुक क्यों गई। यामिनी लंबी लंबी सांसें भरते हुए कहती है, युग बाबू अब डांस करते करते थक जाऊंगी तो रुकूंगी ही ना। युग बिचकते हुए कहता है, क्या कहा यामिनी, तुम थक गई वो भी इतनी जल्दी, पर कल तो तुम नहीं थकी थी, उल्टा मैं थक गया था, आज इतनी जल्दी कैसे थक गई। यामिनी युग को समझाते हुए कहती है, युग बाबू कल मैं मछली पकड़ने गई थी ना, और आज तो बहुत सारा काम करके आई हूँ और अभी जाकर भी काम करना है। युग हैरानी के साथ पूछता है, काम करना है, कैसा काम यामिनी, कम से कम आज के दिन तो काम मत करो। युग बाबू ये काम करना बहुत जरूरी है, पहले आप ये बताइए कितने बज गए हैं। युग अपने मोबाइल में वक्त देखकर बताते हुए कहता है, 11 बजने वाले हैं यामिनी। यामिनी अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या कहा युग बाबू आपने, 11 बजने वाले हैं। यामिनी को यूं घबराते हुए देख युग भी घबरा जाता है और फटाक से पूछता है, क्या हुआ यामिनी तुम इतना घबरा क्यों रही हो। वो युग बाबू मेरे बाबा की दवाई का वक्त होने वाला है और उन्हें पता नहीं होता है कि कौन सी दवाई देनी है, मैं ही उन्हें दवाई देती हूँ, वो क्या है ना आजकल मेरे बाबा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहती है। युग उदासी के साथ कहता है, अच्छा तो ये बात है। हाँ युग बाबू मुझे अभी निकलना पड़ेगा वरना मुझे देर हो जाएगी, अगर उन्हें वक्त पर दवाई नहीं मिलती है तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। पर यामिनी मुझे तो तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाना था, रुको मैं अभी कायर को फोन करके यहीं पर बुला लेता हूँ, तुम उससे मिल लेना।
यामिनी झट से मना करते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, रहने दीजिए, मुझे उनसे नहीं मिलना है। युग यामिनी पर शक करते हुए पूछता है, पर क्यों यामिनी, तुम्हें मेरे दोस्तों से क्यों नहीं मिलना है? तुम पहले भी मना कर रही थी और अभी भी, आखिर मेरे दोस्तों से मिलने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? युग बाबू, आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, बात पूरी होती नहीं है कि आप बीच में ही बोल पड़ते हैं। युग कुछ जवाब नहीं देता, बस अपना सिर नीचे झुका लेता है। यामिनी अपनी बात आगे जारी रखती है, युग बाबू, मैंने कब मना किया आपके दोस्तों से मिलने के लिए? मैं तो ये बोल रही हूँ कि मैं उन सबसे बाद में मिल लूंगी, अभी मुझे देर हो रही है, बाबा को दवाई देनी है। यामिनी अपने हाथ से डांस वाले घेरे के अंदर इशारा करते हुए कहती है, और वो देखिए, वो रहे कायर और बिंदु, कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं। युग जिस ओर यामिनी ने इशारा किया था उस ओर देखने लग जाता है। यामिनी कायर और बिंदु को साथ में डांस करते हुए देखते हुए कहती है, दोनों कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, ये बात उनके डांस से ही झलक रही है। अब उन दोनों को डांस छोड़कर बुलाना ठीक नहीं रहेगा, उन्हें डांस करने दीजिए, मैं उनसे बाद में मिल लूंगी। युग हैरानी के साथ यामिनी से पूछता है, यामिनी तुम्हें कैसे पता कि वो दोनों कायर और बिंदु हैं? मैंने तो तुम्हें उनसे पहले कभी नहीं मिलाया। और एक बात, तुम्हें कैसे पता कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? यामिनी सोचने लग जाती है कि वो युग के सवाल का क्या जवाब दे। यामिनी हिचकिचाते हुए कहती है, वो युग बाबू। यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले युग उसे बीच में टोकते हुए बोलता है, वो क्या कर रही हो यामिनी, बोलो तुम कायर और बिंदु को कैसे जानती हो? युग बाबू, उस रात आपने ही तो अपने मोबाइल में अपने सब दोस्तों की फोटो बताई थी, और ये भी बताया था कि कायर बिंदु से बहुत प्यार करता है। प्यार तो बिंदु भी उससे उतना ही करती है, बस वो कभी कहती नहीं है। क्या युग बाबू, आप भी ना मुझे सब कुछ बता देते और फिर कहते हैं मुझे कैसे पता चला। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, उस रात मैंने यामिनी को क्या क्या बता दिया जिसके बारे में मुझे ही पता नहीं है? कहीं मैंने यामिनी को अपने सपने के बारे में भी तो नहीं बता दिया जिसमें मैं एक लड़की के साथ रहता हूँ और वो सब? युग ने इतना ही सोचा था कि तभी यामिनी उसे बीच में ही टोकते हुए कहती है, युग बाबू, आपको यहाँ पर जितनी देर खड़े रहने रहिए, पर मुझे जाने दीजिए, बाबा की दवाई का वक्त हो गया है, मैं पहले बहुत लेट हो चुकी हूँ। युग कहता है, ठीक है यामिनी, एक काम करता हूँ, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। युग बाबू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था ना कि बाबा को नहीं पता कि मैं आपसे मिलती हूँ, अगर उन्हें ये बात पता चली तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ यामिनी, पता है मुझे, मैं कब कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा, पर मैं तुम्हारे साथ रोंगकामुझा घाट तक तो जा सकता हूँ ना, वहां से तुम अपने घर चले जाना और मैं अपनी ग्रेवयार्ड कोठी चले जाऊंगा, वैसे भी मैं बहुत थक गया, अब कोठी पहुंचकर सीधे सो जाऊंगा। यामिनी युग की बात से राजी होते हुए कहती है, ठीक है युग बाबू, चलिए आप भी मेरे साथ, पर बस हाँ, रोंगकामुझा घाट तक, वहां पर पहुंचकर ये मत बोलना कि चलो तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, तुम्हारे बाबा तो खटिया पर आराम कर रहे होंगे, उन्हें क्या पता चलने वाला है? आपको नहीं पता, मेरे बाबा की नजरें बहुत तेज हैं। युग हंसते हुए कहता है, हाँ ठीक है यामिनी, नहीं बोलूंगा, अब चले। यामिनी भी हंसते हुए जवाब देती है, हाँ चलिए युग बाबू। युग और यामिनी रोंगकामुझा घाट पर जाने के लिए निकल जाते हैं। युग को तो बस यामिनी के साथ जाने का बहाना चाहिए था और वो उसे मिल गया था। वो यामिनी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता था, उसे यामिनी की कंपनी पसंद आने लग गई थी। जिंदगी में कभी हमें भी किसी के साथ वक्त बिताने का मौका मिले तो बिता लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, वो कब अलविदा कह दे कुछ कह नहीं सकते। धीरे धीरे युग शालिनी को भूलकर यामिनी का होने लग गया था। इस तरफ रजनी ने कर्ण पिशाचिनी साधना की सारी तैयारी कर ली थी। रजनी फर्श पर ही तहखाने के अंदर बैठी हुई थी तो उससे थोड़ी ही दूर पर वंदना बेहोश पड़ी हुई थी। रजनी अमोदिता के आने का इंतजार कर रही थी पर वो अभी तक नहीं आई थी। रजनी गुस्सा करते हुए बड़बड़ाती है, ये नालायक लड़की कहाँ पर रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे ना वो पुतली बक्से में रखनी नहीं चाहिए थी, उसे यहाँ पर आने देना था, फिर उसकी पुतली को बॉक्स में रखना था, पता नहीं कहाँ मर गई ये नालायक, क्यों इतनी देर कर रही है? 12 बजने वाले हैं और मुझे 12 बजे से पहले कैसे भी करके ये साधना शुरू करनी है, तभी ये सफल हो पाएगी, वरना कोई मतलब नहीं निकलेगा। रजनी अमोदिता का इंतजार ही कर रही थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। कोई उसी की तरफ कदम बढ़ा रहा था। रजनी कदमों की आहट सुनते हुए कहती है, लगता है ये नालायक आ गई, अभी बताती हूँ इसे। रजनी ने एकदम सही अंदाजा लगाया था, तहखाने के अंदर और कोई नहीं बल्कि अमोदिता आई थी। जैसे ही रजनी अमोदिता को देखती है, अपने मन की सारी भड़ास उस पर निकालते हुए कहती है, आ गई नालायक लड़की, तो तुझे मना किया था ना मेले में जाने के लिए, फिर क्यों गई? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, वो माँ मैं क्या करती, तुम ही बताओ, अब युग जी से वादा किया था मेला जाने का, तो वादा तो पूरा करना ही था ना।
लोग तो प्यार में जान दे देते हैं, मैं तो बस मिलने गई थी। क्या कहा? जान दे देते हैं। रुक, अभी तेरी जान निकालती हूँ, कुछ ज्यादा ही प्यार का भूत सवार हो गया है तुझ पर। अमोदिता अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए कहती है, माँ तुम गुस्सा क्यों करती हो? तुमने ही तो बोला था युग जी को अपने प्यार में फंसा, वो जो बाले दे दे, तो वही तो कर रही हूँ मैं। हाँ बोला था मैंने, पर ऐसा नहीं बोला था कि तू मेरा कहा ही ना माने। मैंने बोला था ना आज रात 9 बजे से कर्ण पिशाचनी साधना की तैयारी करेंगे, पर फिर भी तू मेरे चली गई, तेरे कारण देर हो गई मुझे। अमोदिता रजनी को समझाते हुए कहती है, माँ माना मैंने देर कर दी, पर अब तो मैं आ गई हूँ ना। अब मैं नहीं तुम देर कर रही हो बेवजह अपना गला फाड़कर, ये जानते हुए भी कि अब कुछ नहीं होने वाला, देर तो हो चुकी है, हम कोई वक्त के पीछे थोड़ी जा सकते हैं। एक और बात, यदि तुम्हें देर हो रही थी तो तुम अकेले साधना कर लेती, मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? मैं बाद में आकर तुमसे पूछ लेती कि कर्ण पिशाचनी ने तुम्हें क्या बताया। रजनी अमोदिता पर चिढ़ते हुए कहती है, अरे नालायक लड़की, मुझे पता नहीं था कि तू इतनी ढोर है, कभी कभी तो मुझे शक होता है कि तू मेरी बेटी है भी कि नहीं। तुझे पता है ना मैं तुझे सौदाइन बना रही हूँ, उसके लिए अलग अलग टोने टोटके करवा रही हूँ, तो फिर अकेले कैसे कर लेती? वैसे भी ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, तेरे लिए ही कर रही हूँ, तेरी भलाई के लिए, ताकि तेरी युग से जल्द शादी हो जाए। अमोदिता लाड में कहती है, माँ अगर आपको इतना ही प्यार है तो आपने मेरा हाथ क्यों मरोड़ा था? आपको पता है कितना दर्द हो रहा था मुझे? कोई माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा करती है क्या भला? रजनी कुछ जवाब नहीं देती है, उसकी आंखें बता रही थी कि उसे भी अपने किए पर पछतावा था। अमोदिता इसी चीज का फायदा उठाते हुए बड़ी ही चालाकी भरी निगाहों से रजनी से पूछती है, वैसे माँ एक बात बताओगी, तुमने मेरे ऊपर कौन सा टोना किया था और कैसे किया था? मुझे तो लग रहा था मेरा सीधा हाथ ही नहीं होगा, पर जैसे मैंने तुमसे उसे सीधा करने को बोला वो झट से सीधा हो गया, ऐसा कैसे हुआ माँ, बताओ मुझे भी। रजनी बात को छुपाते हुए कहती है, वो सब मैं तुझे बाद में बता दूंगी, पहले जिसके लिए बुलाया था वो काम करते हैं, आप बैठ मेरे साथ, कर्ण पिशाचनी साधना शुरू करते हैं। अमोदिता उदासी के साथ कहती है, हाँ चलो मुझे पता है तुम मुझे नहीं बताने वाली कि तुमने मेरे ऊपर क्या किया था। इतना कहकर अमोदिता ने अपने 2-3 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी उसकी नजर फर्श पर बेहोश पड़ी वंदना पर पड़ती है। वंदना की ऐसी हालत देखकर अमोदिता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अमोदिता झट से वंदना के पास जाती है और उसे उठाते हुए कहती है, वंदना भाभी उठिए, ये क्या हो गया आपको, उठिए वंदना भाभी। अमोदिता घबराहट के साथ रजनी की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, माँ ये वंदना भाभी को क्या हुआ, तुमने इनके साथ क्या कर दिया? रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, डर मत उसे कुछ नहीं हुआ है, वो बस बेहोश है और कुछ नहीं। पर माँ वंदना भाभी इस तहखाने में कैसे आई, वो बेहोश कैसे हुई? ये सब लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी, अभी वक्त की कमी है मेरे पास, बस इतना समझ ले कि ये वंदना मेरे रास्ते में आ रही थी और मैं अपने रास्ते में आने वालों को नहीं छोड़ती हूँ। रजनी ने ये बात बोली ही थी कि तभी उसे याद आता है कि वंदना ने एक बार बोला था कि वंदना के पति विराट की मौत के पीछे रजनी का हाथ था। अमोदिता के कानों में ये बात बार बार गूंजने लग जाती है। अमोदिता रजनी पर शक करते हुए पूछती है, विराट भैया भी तुम्हारे रास्ते में आ रहे थे क्या माँ? इसका मतलब विराट भैया को भी तुमने ही मारा था और इसका इल्जाम यक्षिणी पर लगा दिया था? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। अमोदिता रजनी पर शक करते हुए पूछती है, विराट भैया भी तुम्हारे रास्ते में आ रहे थे क्या माँ? इसका मतलब विराट भैया को तुमने ही मारा था और उसका इल्जाम यक्षिणी पर लगा दिया था? अमोदिता का सवाल सुनकर रजनी घबराने लग जाती है। रजनी अमोदिता के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, वो एकदम चुप हो गई थी किसी भीगी बिल्ली की तरह। अमोदिता वंदना के पास खड़ी होती है और रजनी की आंखों में देखते हुए बोलती है, बोलो माँ तुम चुप क्यों हो गई? क्या विराट भैया को भी तुमने ही मारा था क्योंकि वो तुम्हारे रास्ते का कांटा बन रहे थे? रजनी अमोदिता के इल्जाम को खारिज करते हुए कहती है, अरे पागल हो रही है क्या अमोदिता, ये कैसी बातें कर रही है? इस वंदना पागल के साथ रह रहकर तू भी उसके साथ पागलों की तरह बातें करने लग गई है, जरूर इस पागल ने मेरे खिलाफ तेरे कान भरे होंगे। अमोदिता समझ जाती है कि रजनी उसे घुमाने की कोशिश कर रही थी, पर वो अपनी बात पर अडिग रहती है और फिर रजनी पर दबाव बनाते हुए उससे पूछती है, माँ बातों में मत घुमाओ, मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दो, क्या विराट भैया को तुमने मारा था? रजनी अमोदिता को समझाते हुए कहती है, नहीं अमोदिता ऐसा तू सोच भी कैसे सकती है, आखिर विराट भी मेरे बेटे की तरह था, मैं उसे भला क्यों मारूंगी? उसे तो यक्षिणी नहीं मारा था, माना मैं सौदाइन हूँ, जादू टोना करती हूँ, पर किसी को मार नहीं सकती, समझी?
रजनी की आंखों में नमी देखकर अमोदिता को उसकी बातों पर यकीन आने लग गया था। वो रजनी की बातों पर विश्वास कर लेती है। इस तरफ युग और यामिनी रोंकामुझा घाट पर पहुंचने वाले थे। रोंकामुझा घाट से वो दोनों करीब 50 मीटर की दूरी पर थे। उनके आसपास गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। वहां पर उन दोनों के सिवा और कोई नहीं था। युग रोंकामुझा घाट की तरफ देखते हुए कहता है, यामिनी घाट पर तो बहुत अंधेरा है। यामिनी रोंकामुझा घाट की तरफ देखते हुए कहती है, कहां पर युग बाबू? युग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये यामिनी घाट पर तुम्हें अंधेरा नहीं दिख रहा क्या? मुझे नहीं लगता तुम इतने अंधेरे में अकेले अपने घर जा पाओगी। तुम्हारे पास तो मोबाइल भी नहीं है जिसकी टॉर्च की रोशनी की मदद से तुम घर तक जा सको। एक काम करता हूँ, मैं ही तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, यही ठीक रहेगा। यामिनी युग के मजे लेते हुए कहती है, युग बाबू आपको तो बस मेरे घर तक जाने का बहाना चाहिए। आप क्या मेरे घर पर जाकर मेरे बाबा से मेरा हाथ मांगने वाले हैं, जो बार बार मेरे घर जाने की रट लगाए रहते हैं? युग अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, अरे नहीं यामिनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो ये सब बस तुम्हारी मदद करने के लिए कर रहा था। तुम ही देखो ना भला घाट पर कितना अंधेरा है। मुझे तो कृष्णोई नदी भी दिखाई नहीं दे रही है, बस पानी बहने की आवाज सुनाई दे रही है। कहां युग बाबू, आपको कहां इतना अंधेरा दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। यामिनी ने इतना कहा ही था कि वो घाट के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो घाट की रेत पर अपना पहला कदम रखती है, अचानक से वहां पर चार पांच के झुंड में जुगनू आने लग जाते हैं, जिनसे आसपास रोशनी होने लग जाती है। रोशनी इतनी बढ़ जाती है कि युग और यामिनी एक दूसरे को साफ साफ देख पा रहे थे। यामिनी फिर युग के मजे लेते हुए कहती है, बताइए कहां पर दिख रहा है युग बाबू आपको अंधेरा? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। युग के चेहरे के सामने से ही एक जुगनू निकल रहा था। युग उस जुगनू को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहता है, अरे ये जुगनू कहां से आ गए अचानक से? अभी तो थोड़ी देर पहले नहीं थे। युग जुगनू पकड़ने की कोशिश तो करता है, पर उसके हाथ से वो जुगनू निकल जाता है। यामिनी उस जुगनू को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहती है, युग बाबू आप शायद भूल रहे हैं, ये जुगनू ही मेरे दोस्त हैं। मैं जहां जाती हूँ ये मेरे साथ आ जाते हैं। यामिनी के हाथ में वो जुगनू आ गया था। वो जुगनू यामिनी के हाथ में ऐसे जगमगा रहा था जैसे कोई तारा आसमान में टिमटिमाता है। उस जुगनू के लिए यामिनी के हाथ की हथेलियां किसी आसमान की तरह ही थी जिसे छत मिल गई थी। युग उस जुगनू को देखकर शॉक्ड होते हुए कहता है, ये क्या यामिनी, ये जुगनू तो तुम्हारे हाथ में एक बार में ही आ गया, ऐसे कैसे? युग बाबू क्यों नहीं आएंगे ये जुगनू मेरे पास, मेरे अपने जो हैं। युग अपना सिर खुजाते हुए कहता है, पता नहीं यामिनी तुम ना कैसी कैसी बातें करती हो, तुम्हारी बातें ना मुझे कभी कभी बिल्कुल समझ में नहीं आती है। यामिनी जुगनू को हवा में उड़ाने लग जाती है, पर वो जुगनू यामिनी के हाथ से ही चिपका रहता है। युग उस जुगनू को देखते हुए कहता है, लगता है इस जुगनू को तुमसे कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है, तभी नहीं छोड़ रहा है तुम्हें। ऐसा क्या जादू कर दिया है तुमने इन पर? यामिनी अपनी आंखें मटकाते हुए कहती है, युग बाबू सब चीजें जादू से नहीं, कुछ चीजें प्यार से भी हासिल की जा सकती हैं। युग को फिर यामिनी की बात समझ में नहीं आती है। यामिनी तुम ना मुझे इंसान ही नहीं लगती हो, पता नहीं कैसी कैसी बातें करती हो। यामिनी धीरे से बड़बड़ाती है, मैं इंसान नहीं हूं युग बाबू। युग यामिनी की बात सुनकर दंग रह जाता है, उसकी बोलती बंद हो गई थी। युग डरते हुए कहता है, यामिनी अगर तुम इंसान नहीं हो तो कौन हो? आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा युग बाबू मैं क्या चीज हूँ, पर आप मुझे अपनाएंगे ना किसी भी हालत में, चाहे मैं कैसी भी रहूं? युग बिचकते हुए कहता है, अपनाएंगे ना मतलब? यामिनी बात को पलटते हुए कहती है, मतलब ये कि हम रोंकामुझा घाट पर पहुंच चुके हैं, अब मैं अपने घर जाऊं? युग यामिनी को और रोकने का बहाना ढूंढने लग जाता है। युग यामिनी के साथ और वक्त बिताना चाहता था, पता नहीं क्यों, पर यामिनी से बातें करके अभी उसका दिल नहीं भरा था। युग बहाना बनाते हुए कहता है, यामिनी अगर तुम चली गई तो तुम्हारे साथ तो ये जुगनू भी चले जाएंगे, फिर यहाँ पर अंधेरा छा जाएगा, फिर मैं नदी पार कैसे करूंगा इतने अंधेरे में? यामिनी युग की ये चालाकी समझ जाती है और उसकी टांग खींचते हुए कहती है, युग बाबू आपको अगर याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले आप अपने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से मुझे मेरे घर तक पहुंचाने वाले थे, आप उसी की मदद से नदी पार कर लेना, समझे? आपको तो बस मुझे रोकने का बहाना चाहिए। अगर मुझे रोककर आप करना क्या चाहते हैं? युग यामिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है, बस अपनी नजरें चुराने लग जाता है। यामिनी युग पर दबाव बनाते हुए फिर उससे पूछती है, बोलिए बोलिए युग बाबू आप चुप क्यों हो गए, आपका इरादा क्या है मेरे साथ करने का, आप मुझे रोकना क्यों चाहते हैं युग बाबू? युग कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। जब युग कुछ नहीं बोलता तो यामिनी ही फिर बोलती है,
कहीं युग बाबू आप मेरे साथ वो तो नहीं करना चाहते? युग एक लंबी सांस लेने के बाद कहता है, वो नहीं करना चाहता मतलब? यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, वही युग बाबू जो एक लड़का और लड़की करते हैं जब वो दोनों अकेले रहते हैं। और इस वक्त आप और मैं भी तो यहाँ पर अकेले ही है ना, यहाँ पर कोई नहीं है हमारे सिवा। युग कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि यामिनी उसे किस चीज का इशारा कर रही थी। युग मंत्र मुग्ध होकर यामिनी को देखते रहता है। युग का मासूम चेहरा देखकर यामिनी हंसने लग जाती है और जोर जोर से हंसते हुए कहती है, युग बाबू आप ना बड़े कच्चे खिलाड़ी हैं, लगता है सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि शुरुआत कैसे करनी है। युग यामिनी के चेहरे को देखते हुए पूछता है, किस चीज की शुरुआत यामिनी? यामिनी धीरे से जवाब देती है, प्यार की शुरुआत युग बाबू। यामिनी का जवाब सुनकर युग को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। वो सोच में पड़ गया था कि यामिनी ने क्या वही बोला था जो उसने सुना था। युग फिर एक बार पूछता है, क्या कहा यामिनी तुमने? इस बार यामिनी युग के सवाल का जवाब नहीं देती है, बल्कि उसके पास अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, रुकिए मैं अभी बताती हूँ युग बाबू कि मैंने क्या बोला। यामिनी युग के पास अपने कदम बढ़ाने लग गई थी, पर जैसे ही यामिनी ने अपना कदम आगे बढ़ाया था, युग खुद ब खुद अपने कदम पीछे खींचने लग जाता है। यामिनी अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी और युग पीछे जाते जा रहा था। युग के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यामिनी उसके साथ क्या करने वाली थी। यामिनी बड़े ही प्यार से कहती है, रुकिए युग बाबू मैं बता रही हूँ किस चीज की शुरुआत करनी है। जैसे ही यामिनी युग को रोकने को बोलती है, युग के कदम अपने आप रुक जाते हैं। युग चाहकर भी पीछे नहीं जा पा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई शक्ति थी जिसने उसके पैर को पकड़ लिया था। धीरे धीरे चलते हुए यामिनी युग के एकदम करीब जाकर खड़े हो जाती है, इतने करीब कि यामिनी अगर एक इंच भी आगे बढ़ती तो उसके वक्ष युग के सीने से टच हो जाते। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, देखिए युग बाबू मौसम कितना सुहाना हो रहा है ना, यहाँ पर कितना मजा आएगा करने में, प्रकृति से बने हुए प्रेमी प्रकृति में ही मिल जाएंगे। युग कुछ जवाब नहीं देता है, वो बस एक टक नजर से यामिनी को देखते रहता है। उसकी सांसें जोरों से चलने लग गई थी, जिसके दिल की धड़कन को यामिनी भी आसानी से सुन पा रही थी। यामिनी बड़े प्यार से पूछती है, युग बाबू शुरू करें? युग आहिस्ता से कहता है, क्या यामिनी? यामिनी कुछ जवाब नहीं देती है, बस अपना चेहरा युग के चेहरे के पास ले जाने लग जाती है। युग यामिनी के मूवमेंट को देखकर समझ जाता है कि यामिनी उसे चुंबन देने के लिए उसके नजदीक आ रही थी। युग जानता था आगे जो कुछ भी होने वाला था वो गलत होने वाला था, पर यामिनी की खूबसूरती के आगे वो हार चुका था। उसका अपनी इंद्रियों पर से काबू छूट चुका था। युग भी अपना चेहरा यामिनी को चुंबन देने के लिए उसके पास ले जाने लग जाता है। अब यामिनी की भी सांसें जोरों से चलने लग गई थी। जिस मकसद से वो आई थी उसमें वो कामयाब होने वाली थी। युग अपनी आंखें बंद कर लेता है और यामिनी के लबों को चूमने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। युग उन लबों को चूमने जा रहा था जिन लबों को चूमने का हर मर्द का ख्वाब होता है। युग यामिनी के लबों को चूमने ही वाला था कि यामिनी युग को मना करते हुए कहती है, रुक जाइए युग बाबू। युग अपनी आंखें बंद ही रखता है और बोलता है, यामिनी अभी तुम ही तो करने को बोल रही थी और अब तुम ही रोक रही हो। यामिनी घबराते हुए जवाब देती है, कोई आ रहा है युग बाबू। जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है, युग बौखलाहट के साथ अपनी आंखें खोल लेता है और अपने आसपास देखने लग जाता है, पर युग को कोई दिखाई नहीं देता है। युग फिर से अपने लेफ्ट राइट देखते हुए कहता है, कहां पर यामिनी, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। युग वापस से अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, चलो ना यामिनी करते हैं। यामिनी झट से कहती है, इस करने के चक्कर में ना युग बाबू, देखना आप मुझे किसी दिन मरवा देंगे। यामिनी अपने हाथ से जहां से रोंकामुचा घाट शुरू होता है उस ओर इशारा करते हुए कहती है, वो देखिए युग बाबू वहां से कोई आ रहा है। युग उस तरफ देखने लग जाता है जिस तरफ यामिनी ने इशारा किया था, पर अंधेरा होने की वजह से उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पर अगले ही पल उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है। कोई शख्स उन दोनों की ओर ही आ रहा था। युग उस ओर देखते हुए कहता है, इतनी रात में यहाँ पर कौन आ रहा है? यामिनी बड़बड़ाती है, वही जिसे अपनी जान प्यारी नहीं होगी, उसे क्या पता वो अपनी मौत के करीब कदम बढ़ा रहा है। युग आंखें बड़ी करते हुए कहता है, क्या कहा यामिनी तुमने? यामिनी बात को बदलते हुए कहती है, मैंने कहा मुझे नहीं पता कौन आ रहा है युग बाबू, मेरी उल्लू की तरह आंखें थोड़ी है जो अंधेरे में देखकर बता दूं कि कौन आ रहा है। खैर जो भी आ रहा हो आप देख लेना, मैं तो जाती हूँ, आपके चक्कर में पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। युग कुछ जवाब देता उससे पहले ही यामिनी वहां से निकल जाती है। यामिनी जैसे ही वहां से जाती है उसके साथ सारे जुगनू भी वहां से चले जाते हैं। घाट पर वापस से अंधेरा छा जाता है। युग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो अपना शरीर तक नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लेता है।
कदमों की आहट धीरे धीरे तेज होने लग गई थी। जिस ओर से कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, युग उस ओर अपने मोबाइल का टॉर्च मारते हुए कहता है, कौन है, कौन है वहां पर? कोई जवाब नहीं आता है। युग अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि इतनी रात में घाट के पास कौन आ रहा होगा, क्योंकि गांव वाले तो शाम होते ही घाट के पास से दूर हो जाते हैं। युग अंदाजा लगा ही रहा था कि तभी एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, यक्षिणी, ओ यक्षिणी, कहाँ है तू? देख मैं आ गया। आदमी की आवाज सुनकर युग समझ जाता है कि जो भी उसके पास आ रहा था नशे में आ रहा था। नशे में होने के कारण उस आदमी की जबान लड़खड़ा रही थी। युग खुद से बड़बड़ाता है, ये कौन पागल है जो खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहा है? आदमी की फिर नशे में आवाज सुनाई देती है, यक्षिणी, ओ यक्षिणी, कहाँ पर है तू? कोई अपनी ही धुन में युग की तरफ कदम बढ़ाते हुए आ रहा था। कुछ ही देर में युग को वो आदमी दिखाई देने लग जाता है, पर अंधेरा होने की वजह से युग को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी बड़बड़ाते हुए कहता है, यक्षिणी, कहाँ है तू? युग उस आदमी के चेहरे पर टॉर्च मारते हुए कहता है, कौन हो तुम? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। युग उस आदमी के चेहरे पर टॉर्च मारते हुए कहता है, कौन हो तुम? टॉर्च की रोशनी से उस आदमी की आंखें चौंधी आ जाती हैं। वो अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लेता है। उस आदमी ने अपने एक हाथ में देशी शराब की बोतल पकड़ी हुई थी, जिसमें चावल की बनी हुई दारू रखी हुई थी। युग को अभी भी उस आदमी का चेहरा नहीं दिख पाया था। युग फिर उस आदमी से पूछता है, बोलो कौन हो तुम? जब वो आदमी अपने चेहरे पर से हाथ हटाता है तो युग देखता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रोंगकामुचा गांव का सरपंच रतनपाली था। रतनपाली की लाल लाल आंखें ये साफ बयां कर रही थी कि उसने हद से ज्यादा शराब पीकर रखी हुई थी। युग रतनपाली को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, रतन अंकल आप? पहले तो रतनपाली युग को पहचान नहीं पाता है, पर जब उसके नजदीक जाकर उसका चेहरा देखता है तो उसे पहचान जाता है और नशे में लड़खड़ाती हुई जुबान से कहता है, तुम युग ही हो ना, लेखक बाबू के बेटे? युग जवाब देता है, हाँ अंकल, मैं युग ही हूँ, लेखक बाबू का बेटा। रतनपाली अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम मुझे जानते हो, वरना अनजान लोगों से बात करने में हिचकिचाहट होती है कि नहीं, तुम ही बताओ। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं ना? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो रोक दो मुझे। युग कुछ जवाब नहीं देता है। वो समझ गया था कि ये रतनपाली नहीं उसके अंदर की शराब बोल रही थी, जो उसके मुंह से बस बकबक करवा रही थी और कुछ नहीं। रतनपाली युग को उंगली दिखाते हुए कहता है, तुम यहाँ पर इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो, वो भी अकेले? मेले में नहीं गए क्या? इतना बड़ा मेला लगा है हमारे गांव में। युग फटाक से जवाब देता है, अंकल जी, वहीं से तो आ रहा था, बस यामिनी को छोड़। युग ने इतना कहा ही था कि उसे याद आता है कि यामिनी के बारे में रतनपाली को कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो बात को घुमाते हुए कहता है, अंकल जी, मैं मेले से ही आ रहा था कि आपकी आवाज सुनाई दी तो रुक गया। बात को बदलने के लिए युग रतनपाली से ही सवाल पूछ लेता है, वैसे अंकल जी आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, वो भी इतनी रात को? रतनपाली फुसफुसाते हुए धीरे से कहता है, मैं यक्षिणी से बदला लेने आया हूँ। युग हैरानी के साथ पूछता है, बदला? पर किस बात का अंकल जी? रतनपाली चिढ़ते हुए कहता है, किस बात का बदला, ये भी कोई सवाल हुआ क्या? उस यक्षिणी ने मेरे बेटे को मारा था तो बदला तो लेना ही पड़ेगा ना, क्या तुम नहीं लेना चाहते यक्षिणी से बदला अपने पापा की मौत का? लेखक बाबू को भी तो उस यक्षिणी ने मारा था ना। रतनपाली युग के अंदर यक्षिणी के खिलाफ आग भरना शुरू कर देता है। युग कुछ जवाब नहीं देता है। वो जानता था रतनपाली नशे में है, इसलिए कुछ भी बड़बड़ा रहा है, पर सच तो ये भी था कि पहले यक्षिणी को लेकर उसके अंदर भी बहुत नफरत भरी हुई थी, पर यामिनी के साथ रहते रहते वो नफरत अपने आप मिटने लग गई थी। रतनपाली फिर कहता है, बहुत हवस भरी है ना उस यक्षिणी के अंदर, मैं उसकी सारी हवस मिटा दूंगा। युग बड़बड़ाता है, ये अंकल जी को भी ना पता नहीं बुढ़ापे में क्या भूत सवार हो गया, यहाँ पर बॉडी के सारे नट ढीले पड़े हुए हैं और ये है कि यक्षिणी की हवस मिटाने चले हैं, ये जानते हुए भी कि इनसे कुछ नहीं होने वाला है। रतनपाली कहता है, तुमने कुछ कहा बेटा? युग बात को बदलते हुए कहता है, हाँ अंकल जी, मैंने कहा मैं निकलता हूँ, वो मेले में डांस कर करके बहुत थक गया हूँ इसलिए नींद आ रही है। अच्छा ठीक है बेटा, पर मिलते रहना, तुम तो मुझसे मिलते ही नहीं हो, पता नहीं क्या नाराजगी है तुम्हें हमसे।
इतना कहकर रतनपाली ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो धड़ाम से रेत पर गिर पड़ता है। उसके पसीने से भरे चेहरे पर रेत चिपक जाती है। रतनपाली के गिरते ही युग उसे उठाने लग जाता है। अरे अंकल जी, आप ठीक तो है ना? रतनपाली उठने की कोशिश करते हुए कहता है, अरे कमर टूट गई रे मेरी तो। रे, रतनपाली उठने की कोशिश तो करता है पर उठ नहीं पाता है। युग घबराते हुए कहता है, अंकल यदि ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं किसी को मदद के लिए बुलाऊं क्या? रतनपाली युग को मना करते हुए कहता है, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतनी कमजोर भी नहीं है मेरी हड्डियां, ये दर्द तो अभी चले जाएगा। इतना कहकर रतनपाली शराब की बोतल को लेटे लेटे ही अपने मुंह से लगाता है, एक दो घूंट पीता है और झट से रेत पर से उठकर बैठ जाता है। युग को रतनपाली के पास से शराब की बहुत गंदी गंध आ रही थी, इसलिए वो अपने दोनों हाथों से चुपके से अपनी नाक बंद करने लग जाता है। रतनपाली युग से कहता है, तुम ना युग बेटा बहुत अच्छे हो, अपने पिता की तरह। वो भी तुम्हारी तरह थे, हमेशा दूसरों की मदद करते रहते थे। मुझे जब पता चला था ना कि तुम आए हो, मैं उसी वक्त तुमसे मिलने आने वाला था, पर। इतना कहकर रतनपाली चुप हो जाता है। युग हैरानी के साथ पूछता है, पर क्या अंकल जी? पर उस दिलीप के कारण नहीं आ पाया, अगर उसे पता चलता कि मैं तुमसे मिलने आया हूं तो वो बहुत ही गुस्सा करता। वो ना जलता है बहुत तुमसे, तुम्हारे पिता से भी जलता था और तुमसे भी जलता था। युग रतनपाली के पास ही बैठने लग जाता है ताकि उसको अपनापन लगे और रतनपाली उसको और राज की बात बताए। युग रतनपाली से पूछता है, बड़े पापा मेरे पापा से जलते थे पर क्यों? रतनपाली दिलीप के खिलाफ भी युग के कान भरना शुरू कर देता है। रतनपाली कहता है, ये तो नहीं पता मुझे कि दिलीप लेखक बाबू से क्यों जलता था, पर हाँ वो कारण हो सकता है। युग हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, कौन सा कारण अंकल जी? तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में नहीं पता क्या? क्या नहीं पता? अरे यही कि तुम्हारे मम्मी पापा की, वो क्या बोलते थे इंग्लिश में, हाँ लव मैरिज, वो ही हुई थी। तुम्हारे पापा जब गांव लौटे थे तो शहर से शादी करके आए थे। हो सकता है कि यही बात दिलीप को पसंद नहीं आई हो और वो लेखक बाबू को पसंद नहीं करता हो। युग एकचित होकर रतनपाली की सारी बातें सुन रहा था। पर नहीं नहीं, ये बात भी नहीं हो सकती है क्योंकि जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब तो लेखक बाबू अपनी पत्नी के साथ गांव में एक आध हफ्ता रुक कर गए थे, तब तो सब ठीक था। तुम्हारे पापा तो बहुत अच्छे इंसान थे पर तुम्हारी माँ। शराब के नशे में होने के कारण रतनपाली आधी अधूरी बातें कर रहा था और उसे पूरा किए बिना ही दूसरी बात शुरू कर देता था। युग रतनपाली से पूछता है, पर मेरी माँ क्या अंकल जी? तुम्हारी माँ ठीक नहीं थी, तुम्हारी माँ ने अच्छा नहीं किया था। मेरी माँ ने क्या अच्छा नहीं किया था अंकल जी? रतनपाली युग की बात को काटते हुए कहता है, हाँ हो सकता है तुम्हारी माँ की उस हरकत की वजह से ही दिलीप लेखक बाबू से नफरत करने लग गया हो। मेरी माँ की किस हरकत की वजह से अंकल जी? मेरी माँ ने ऐसा क्या किया था? वो तुम्हारी माँ ने ठीक नहीं किया था। यही बड़बड़ाते हुए रतनपाली शराब के नशे में धुत हो जाता है और रेत पर ही बेहोश हो जाता है। युग रतनपाली को उठाते हुए कहता है, उठिए अंकल जी, मुझे बताइए मेरी माँ ने क्या ठीक नहीं किया था, उठिए बताइए मुझे। युग रतनपाली को उठाने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं उठता है। युग सोच में पड़ जाता है कि मेरी माँ ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण मेरे पापा और बड़े पापा के बीच दुश्मनी हो गई। माँ ने मुझे और पापा को तो अलग किया ही था, पर क्या पापा और बड़े पापा को भी अलग किया था? माँ ने आखिर ऐसा क्या किया था, या फिर ये रतन अंकल नशे में कुछ भी बोले जा रहे थे? पर नशे में तो इंसान सिर्फ सच ही बोलता है। यही सब सोचते हुए युग ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए किश्नोई नदी पार करने लग जाता है। इस तरफ तहखाने के अंदर रजनी और अमोदिता ने कर्ण पिशाचनी साधना करने की सारी तैयारी कर ली थी। दोनों कर्ण पिशाचनी साधना करने के लिए तैयार बैठी थी। अमोदिता और रजनी दोनों ही पालकी मारकर एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। उन दोनों के बीच में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था जिस पर मिट्टी लगी हुई थी। उसी पत्थर के ऊपर एक दीपक रखा हुआ था जो इस वक्त बुझा हुआ था। अमोदिता और रजनी ने पहली बार टोना करते वक्त लाल रंग के कपड़े पहने थे। ये बात अमोदिता को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उससे रहा नहीं जाता और वो अपनी माँ से पूछ ही लेती है, माँ एक बात बताओ, तुम टोना करते वक्त तो हम काले कपड़े पहनते हैं ना हमेशा? तुमने तो कहा था कि काले कपड़े ज्यादा आकर्षित करते हैं बुरी शक्तियों को, फिर तुमने आज मुझे ये लाल कपड़े पहनने के लिए क्यों बोले? रजनी अमोदिता के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि कर्ण पिशाचनी को रक्त पसंद है और रक्त लाल रंग का होता है, उसे लाल रंग से बहुत लगाव है, लाल कपड़े पहनने से वो जल्दी प्रसन्न होती है। एक बात बता, तूने अंदर भी लाल कपड़े ही पहने हैं ना?
अमोदिता अपना सिर खुजाते हुए पूछती है, अंदर भी लाल कपड़े पहने हैं मतलब? रजनी चिढ़ते हुए कहती है, अरे नालायक लड़की, मतलब ये कि अंदर कपड़े पहनती है या नहीं, या बस सूट पहनकर आ गई? अमोदिता हड़बड़ाहट के साथ कहती है, हाँ पहने हैं माँ, लाल रंग के ही पहने हैं। बढ़िया है, अब मेरी बात गौर से सुनना। 7वीं सदी के नीलामत पुराण के अनुसार कश्मीर के बीहड़ इलाकों में 2 जातियां रहा करती थी। पहली जाति थी नागा और दूसरी जाति थी पिशाच। पिशाच पुरुष थे तो पिशाचनी स्त्री। पिशाच और पिशाचनियों को अंधेरे में रहना ज्यादा पसंद होता है। जिस प्रकार हम इंसानों के अनेक रूप होते हैं, उसी प्रकार पिशाचनियों के भी अनेक रूप होते हैं, जिनमें स्वर्ण पिशाचनी, काम पिशाचनी, भोग पिशाचनी, दिव्य पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी मुख्य हैं। इन सभी को सिद्ध करने की अलग अलग साधनाएं हैं। अमोदिता अपनी नजर रजनी पर गड़ाए हुए थी और गहराई के साथ उसकी सारी बातें सुन रही थी। रजनी आगे कहती है, कर्ण पिशाचनी के पास कई दिव्य शक्तियां होती हैं। कर्ण पिशाचनी के पास एक ऐसी अलौकिक ताकत होती है जिसकी मदद से उसके पास हमारे हर सवाल का जवाब मौजूद होता है। इस विद्या को पिशाच विद्या या नेक्रिमेंसी विद्या भी कहा जाता है। अमोदिता बीच में ही रजनी को टोकते हुए कहती है, माँ यदि कर्ण पिशाचनी के पास हमारे हर सवाल का जवाब मौजूद होता है तो हम उससे ये भी पूछ लेंगे कि मेरी युग जी से शादी होगी या नहीं। अगर वो कह देगी कि नहीं होगी तो हम युग जी पर जादू टोना करना बंद कर देंगे और मेरे लिए दूसरा लड़का देख लेंगे। रजनी गुस्सा करते हुए कहती है, अरे नालायक, कर्ण पिशाचनी बस हमें किसी का अतीत और वर्तमान बता सकती है, भविष्य नहीं। अगर कोई साधना भविष्य बता सकती तो ये दुनिया कब की पलट जाती। याद रखना, कर्ण पिशाचनी सिर्फ अतीत और वर्तमान के ही सवालों का जवाब देगी, उससे कोई फालतू सवाल मत पूछना। अरे मैं भी ये क्या बोल रही हूँ, पूछना नहीं सोचना। अमोदिता मुंह बनाते हुए बोलती है, सोचना मतलब माँ? मतलब ये कि मन में सोचना, कर्ण पिशाचनी से बात करने की जरूरत नहीं होती है। हम मन में जो सवाल सोचते हैं वो खुद हमारे कान में आकर उसका जवाब पैसा की भाषा में दे देती है। अमोदिता बिचकते हुए कहती है, माँ ये पैसा की भाषा कौन सी होती है? भूतों की भाषा को पैसा की भाषा कहा जाता है। इस बात को इस्लाम ने भी अपनाया है। इस्लाम धर्म में भी कई तरह के चिन्ह पैसा की भाषा में ही मिलते हैं। पर माँ मुझे तो पैसा की भाषा आती ही नहीं, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि कर्ण पिशाचनी ने क्या जवाब दिया? अरे उसकी फिक्र मत कर, कर्ण पिशाचनी उसी भाषा में जवाब देती है जिस भाषा में हम उससे सवाल पूछते हैं। एक और बात, जब कर्ण पिशाचनी हमारे कानों में जवाब देती है तो उस वक्त हमारे कानों से हमारी शरीर की ऊर्जा भी खींच लेती है, और यदि लगातार सवाल पूछते गए तो कानों के जरिए ही हमारा रक्त भी पी लेती है। इसलिए सवाल सिर्फ मैं पूछूंगी, तू कुछ मत पूछना। पहले तो अमोदिता रजनी की खून पीने वाली बात सुनकर डर जाती है, पर थोड़ी ही देर बाद बड़ी हिम्मत से पूछती है, पर माँ फिर तो आपको ही जवाब सुनाई देंगे, मैं तो कर्ण पिशाचनी की आवाज भी नहीं सुन पाऊंगी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, भूल गई हम दोनों सौदाइन है तो इसका फायदा तो होगा ही ना हमें, हम दोनों ही उसकी आवाज सुन पाएंगे और सवाल भी पूछ सकेंगे। पर पहले ही मैं कह चुकी हूँ, बस मैं सवाल पूछूंगी, तू नहीं। रजनी की बात सुनकर अमोदिता का छोटा सा मुंह हो जाता है। अमोदिता मन ही मन बड़बड़ाती है, ये माँ ना जब देखो होशियारी झाड़ती रहती है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, मुझे तो कभी कुछ करने ही नहीं देती। रजनी चिढ़ते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि मैं होशियार हूँ और तू नालायक। तू शायद भूल रही है मैं सौदाइन हूँ और मैं तेरे मन की बात सुन सकती हूँ। अमोदिता हंसते हुए बात को टालने के लिए कहती है, अरे माँ मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो जानती हो मुझे। रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ तेरा मजाक, याद रखना कोई गलती हुई तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं क्या, कर्ण पिशाचनी ही तुझे नहीं छोड़ेगी। अगर कोई भी गलती होती है उसकी साधना में तो वो उसी पल अपने साधकों की जान ले लेती है। अमोदिता अपनी जगह से उठते हुए कहती है, माँ तो फिर आप ही करो ये साधना, मैं नहीं करने वाली, मैं जाती हूँ। रजनी गुस्से से कहती है, चुपचाप बैठी रह, सौदाइन बनना है या नहीं। अमोदिता को मन तो हो रहा था कि वो वहां से उठकर चली जाए, उसे अपनी जान ज्यादा प्यारी थी, पर वो जानती थी कि वो फंस चुकी है, रजनी उसे वहां से जाने नहीं देने वाली। अमोदिता वापस से अपनी जगह पर बैठ जाती है। रजनी एक लंबी आह भरने के बाद कहती है, जिस प्रकार पिशाचनियों के अलग अलग प्रकार होते हैं उसी तरह उनकी साधना करने के भी कई प्रकार होते हैं। कर्ण पिशाचनी साधना ही करने के अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ साधनाएं 21 दिनों की होती हैं तो कुछ 11, पर हम सौदाइन हैं तो ये आज रात में ही सिद्ध हो जाएगी। रजनी फर्श पर रखा पीतल का लोटा उठाती है और अमोदिता को देते हुए कहती है, ये ले इससे आचमन कर ले पहले। अमोदिता अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, माँ ये आचमन क्या होता है? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी।
अमोदिता अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, माँ ये आचमन क्या होता है? रजनी अमोदिता पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं कैसे सौदाइन बनेगी, छोटी छोटी बातें भी बतानी पड़ती है तुझे। आचमन का मतलब होता है पानी पीना, प्रार्थना दर्शन पूजा यज्ञ और साधना करने से पहले मंत्र पढ़ते हुए पानी पीना ही आचमन कहलाता है, समझी? माँ तो सीधे सीधे ही बोल देती कि 3 बार पानी पीना है, इतना कठिन शब्द बोलने की क्या जरूरत थी। नालायक सिर्फ पानी ही नहीं पीना है बल्कि मंत्र भी पढ़ना है। कौन सा मंत्र माँ? रुक बताती हूँ, वो मंत्र है ओम नमो विधहर्ताय अहम दिवस समय संपूर्ण कर्ण पिशाचनी गृहस्थ साधना आरंभन कुरु, गृहस्थ साधना आरंभन कुरु में देवाय शक्ति प्रदानाय नमः। और सुन, जहां पर अहम बोला है वहां पर अपना नाम लेना और दिवस की जगह आज जो दिन है वो बोलना है, समझी? अमोदिता रजनी द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करते हुए 3 बार आचमन कर लेती है। आचमन के बाद रजनी उसके सामने रखी एक पॉलिथीन उठाती है जिसमें करीब 2 किलो पीली सरसों रखी हुई थी। रजनी अपनी जगह से उठती है और उस पीली सरसों से अमोदिता और अपने चारों तरफ घेरा बनाने लग जाती है। रजनी सरसों से घेरा बनाते हुए कहती है, ओम नमो शक्ति रूपाय देवताब रक्षाम्भिरताय नमः। अमोदिता हिचकिचाते हुए पूछती है, माँ ये तुम क्या कर रही हो, ये सरसों को जमीन पर फेंक कर बर्बाद क्यों कर रही हो? रजनी अमोदिता के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, मंत्र पढ़ना जारी रखती है और जहां पर वो साधना करने वाली थी उसके आसपास एक बड़ा सा घेरा बना लेती है। घेरा बनाने के बाद रजनी वापस से अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। रजनी के बैठते ही अमोदिता रजनी से पूछती है, माँ ये तुमने इतनी सरसों फेंकी क्यों, रंगोली बना रही थी क्या? अरे नालायक लड़की, रंगोली नहीं बना रही थी, सुरक्षा चक्र बना रही थी। अमोदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा माँ आपने, सुरक्षा चक्र? रजनी अमोदिता को अच्छे से समझाते हुए कहती है, हाँ सुरक्षा चक्र, जब हम कोई भी बड़ी साधना करते हैं तब हमारे आसपास के वातावरण में भटकती नकारात्मक शक्तियां उस कार्य में बाधा डालने का प्रयास करती हैं, इसलिए सुरक्षा चक्र का होना बहुत जरूरी है। वैसे तो सुरक्षा चक्र को साधना करने से 2 घंटे पहले बनाना पड़ता है, पर बीच में ये पागल वंदना आ गई थी ना तो नहीं बना पाई, इसलिए अभी बनाना पड़ा। रजनी की जुबान से वंदना का नाम सुनते ही अमोदिता वंदना की ओर देखने लग जाती है जो वहीं पर फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। रजनी अपने पास रखी कांसे की थाली उठाती है और मन ही मन कोई सा मंत्र बड़बड़ाते हुए उस कांसे की थाली के अंदर सिंदूर से त्रिशूल बनाने लग जाती है। अमोदिता रजनी को चुपचाप ये सब करते हुए देखती रहती है। रजनी कांसे की थाली अमोदिता को देते हुए कहती है, ये ले इसे पत्थर पर रख और इसके अंदर वो दीपक रख दे। रजनी और अमोदिता के बीच में ही बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था जिसके ऊपर बुझा हुआ दीपक रखा हुआ था। अमोदिता उस दीपक को उठाती है और कांसे की थाली पर रखकर उसके अंदर वो दीपक रख देती है। कांसे की थाली में दीपक रखते वक्त ही अमोदिता की नजर पत्थर पर पड़ती है जिस पर बहुत सारी गीली मिट्टी लगी हुई थी। अमोदिता उस गीली मिट्टी को देखते हुए कहती है, ये क्या माँ, पत्थर को अच्छे से धो तो लेती, कितना गंदा है ये पत्थर, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आई, मुझे तो नहीं लगता कर्ण पिशाचनी इस गंदे पत्थर को देखकर यहाँ पर आएगी। रजनी झट से कहती है, अरे नालायक लड़की, इसी पत्थर की मदद से तो कर्ण पिशाचनी आएगी, ये कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं है, कब्रिस्तान से लाया गया पत्थर है और इसके ऊपर कब्रिस्तान की ही मिट्टी लगी हुई है। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है कि माँ भी ना पता नहीं क्या क्या करती रहती है, मैं तो कब्रिस्तान की कोई भी चीज घर में लाने से पहले 100 बार सोचूं, ये माँ को डर नहीं लगता क्या? रजनी फटाक से कहती है, डर उन्हें लगता है जो डरपोक होते हैं, और हम तो सौदाइन हैं, हम डरते नहीं बल्कि डराते हैं, तू भी सबसे पहले अपने अंदर से डर निकाल ले, समझी? वैसे तो कर्ण पिशाचनी किसी के सामने नहीं आती, बस उसकी आवाज ही सुनाई देती है, पर सुना है उसकी सूरत बहुत डरावनी होती है, इतनी डरावनी कि अच्छे अच्छे उसकी सूरत देखकर ही परलोक सिधार जाए। रजनी की बात सुनकर अमोदिता के हाथ पैर कपकपाने लग गए थे। रजनी साधना शुरू करते हुए कहती है, जो साधना मैं तुझे बताने जा रही हूँ, कहते हैं इस विधि से स्वयं वेदव्यास जी ने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया था। रजनी के पास ही पलास के फूल रखे हुए थे, वो उन फूलों को दीपक के पास रखते हुए कहती है, ओम अमृत कुरु कुरु स्वाहा, ओम अमृत कुरु कुरु स्वाहा। रजनी के बगल में ही एक काली पॉलिथीन रखी हुई थी जिसके अंदर बहुत देर से अपने आप हलचल हो रही थी। अमोदिता की नजर काफी देर से उसी काली पॉलिथीन पर थी। रजनी अपने दोनों हाथ उस पॉलिथीन के अंदर डालती है और उसके अंदर रखा सामान बाहर निकालने लग जाती है।
उस पॉलीथीन के अंदर जो भी चीज रखी हुई थी उसे बाहर निकालने में रजनी को बड़ी मशक्कत हो रही थी। ये बात उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी। अमोदिता ने भी अपनी नजरें उसी काली पॉलीथीन पर गड़ाई हुई थी। उसका भी दिल ये जानने को बेकरार हो रहा था कि आखिर उस काली पॉलीथीन के अंदर ऐसा क्या था जिसे निकालने में रजनी को इतनी दिक्कत हो रही थी। जब रजनी अपने दोनों हाथ उस पॉलीथीन के अंदर से बाहर निकालती है तो अमोदिता देखती है कि रजनी के हाथों में बड़ी सी करीब 5 किलो की मछली थी जो अभी भी फड़फड़ा रही थी। उसके अंदर जान बाकी थी। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, माँ इस मछली का क्या करने वाली है। रजनी अमोदिता को वो मछली दिखाते हुए कहती है, इस मछली की हम बलि देने वाले हैं। कर्ण पिशाचनी को बलि बहुत पसंद होती है, उससे वो जल्दी प्रसन्न होती है। रजनी की बात सुनकर अमोदिता घबरा जाती है, उसके हाथ पैर थर थर कांपने लग जाते हैं। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, हम किसी इंसान की बलि तो दे नहीं सकते, इसलिए इस मछली की बलि दे रहे हैं। सुन, मैं मंत्र पढ़ती जाऊंगी और तू इस मछली की गर्दन हलाल करते जाना, समझी। अमोदिता घबराते हुए कहती है, नहीं माँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तुम ही करो। रजनी अमोदिता पर दहाड़ते हुए कहती है, अरे नालायक, पागल हो रही है क्या? यहाँ पर मैं तुझे कोई तमाशा दिखाने थोड़ी लेकर आई हूँ जो तू बस बैठ कर देखती रहेगी, कुछ करेगी नहीं। मैं तुझे यहाँ पर जादू टोना सिखाने लाई हूँ और ये तो बस शुरुआत है। काले जादू में तो बहुत सी बलियां देनी पड़ती हैं। अब चुपचाप चाकू उठा, वरना तुझे पता है मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। अमोदिता को पता था कि यदि उसने रजनी की बात नहीं मानी तो फिर रजनी टोना करके उसका हाथ मरोड़ने लग जाएगी, इसलिए वो चुपचाप डरते हुए उसके सामने रखा चाकू उठा लेती है। चाकू एकदम नया लग रहा था, जिसकी नोक और धार अंधेरे में भी चमक रही थी। रजनी मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, ओम कर्ण पिशाचनी दग्ध मीन बलि गृहण गृहण मम सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इतना कहकर रजनी अमोदिता को मछली को हलाल करने का इशारा कर देती है। अमोदिता रजनी का इशारा समझ जाती है और डरते हुए चाकू की पैनी नोक मछली की गर्दन पर रख देती है। अमोदिता अपनी आंखें बंद करते हुए कपकपाते हाथों से मछली की गर्दन पर चाकू आगे पीछे करने लग जाती है। रजनी मन ही मन सोचती है, नालायक लड़की, आंखें खोल जल्दी, ये काम आंखें बंद करके नहीं करते हैं। पहली बार अमोदिता को रजनी के मन की बात सुनाई दी थी, वो भी इसलिए क्योंकि धीरे धीरे अब उसमें भी सौदाइन के गुण आने शुरू हो गए थे। अमोदिता झट से अपनी आंखें खोल लेती है और मछली की गर्दन बड़ी बेरहमी के साथ काटने लग जाती है। मछली के खून से चाकू पूरा सनसना गया था। मछली की पूंछ अभी भी फड़फड़ा रही थी। अमोदिता को अपने आप पर बहुत घिन आ रही थी, पर वो मजबूर थी इसीलिए वहीं पर बैठी रहती है। मछली जैसे ही अपना दम तोड़ती है, रजनी खुश होते हुए कहती है, शाबाश मेरी बेटी, मुझे पूरा यकीन था कि तू ये कर सकती है, आखिर तू मेरी बेटी है। आधा काम हो चुका है, अब बस आधा बचा है, अमोदिता हिचकिचाहट के साथ कहती है। अब क्या करना है माँ, रजनी जवाब देती है, अब हमें 10,000 बार कर्ण पिशाचनी मंत्र का जाप करना है। अमोदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा माँ, 10,000 बार? रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, साधनाएं इतनी भी आसान नहीं होती है जो चुटकियों में हो जाए, इसके लिए सब्र चाहिए होता है, बहुत संयम रखना पड़ता है, समझी। पर माँ, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी, 10,000 बार मंत्र का जाप करना बहुत होता है। माँ, मैं तो 500 के बाद ही गिनती भूल जाती हूँ, फिर 10,000 तक कैसे याद रख पाऊंगी। तूने कितनी बार मंत्र का जाप किया उसका हिसाब तू मत रख, जैसे ही तेरे 10,000 मंत्र का जाप पूरा होगा ये दीपक अपने आप जलने लग जाएगा, और जब ये दीपक जलेगा उसी के साथ कर्ण पिशाचनी भी आ जाएगी, फिर मिलेंगे हमें हमारे सारे सवालों के जवाब, समझी। अमोदिता कुछ नहीं कहती है, बस हाँ मैं अपना सिर हिला देती है। रजनी अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, चल अब जाप करना शुरू करते हैं। इतना कहकर रजनी कर्ण पिशाचनी मंत्र का जाप करते हुए कहती है, ओम नमः कर्ण पिशाचनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्ण अवतरावतर अतीत नागत वर्तमाननी दर्शय दर्शय मम भविष्य कथय ही कर्ण पिशाचनी स्वाहा। रजनी के साथ साथ अमोदिता भी कर्ण पिशाचनी मंत्र का जाप करने लग जाती है। इस तरफ युग ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच गया था। ग्रेवयार्ड कोठी में उसके अलावा और कोई नहीं था। ये पहली बार था जब वो अकेले ग्रेवयार्ड कोठी में रात बिताने वाला था। अभी युग ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोलकर कोठी के अंदर घुसा ही था कि उसका फोन बजने लग जाता है। जब युग की मोबाइल स्क्रीन पर नजर पड़ती है तो वो खुद से कहता है, अरे कायर का फोन, वो भी अभी इतनी रात में, ये क्यों फोन कर रहा है, लगता है इसे बिंदु से फुर्सत मिल गई तभी मुझे याद किया इसने। इतना कहकर युग फोन रिसीव करते हुए कहता है, हाँ कायर बोल। कायर की फोन के अंदर से आवाज आती है, अरे युग कहाँ पर है तू। युग जवाब देता है, अरे मैं तो ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच गया। क्या कहा, ग्रेवयार्ड कोठी,
पर तू तो हमें यामिनी से मिलाने वाला था ना आज, वो नहीं आई थी क्या? युग अपने कमरे की ओर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ते हुए कहता है, अरे आई थी और मैंने उसके साथ डांस भी किया, पर उसे घर पर जरूरी काम था इसलिए वो चली गई। मैं उससे तुझे फिर कभी मिलवा दूंगा। चल ठीक है, वैसे मैंने तुझे ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैं बिंदु को छोड़ने उसके घर जा रहा हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी और ये भी हो सकता है कि मैं वहीं पर रुक जाऊँ। बहुत दिनों बाद साथ में वक्त बिताने को मिला है। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तू आराम से आ। तू अकेला रह लेगा ना कोठी में? वो क्या है ना, अर्जुन का फोन आया था तो उसने बताया कि वो भी आज रात कछुए के साथ हॉस्पिटल में ही रुकेगा, उसकी दादी की तबीयत खराब है ना। अरे हाँ, मुझे भी आया था उसका कॉल, बताया था उसने। पर तू मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहा है कि मैं अकेला तो रह लूंगा ना कोठी में? कायर की धीरे से आवाज आती है। वो इसलिए क्योंकि तू पहली बार ग्रेवयार्ड कोठी में अकेला रह रहा है ना, और तुझे पता है ना वो किसका दूसरा ठिकाना है? हाँ पता है मुझे, ये यक्षिणी का दूसरा ठिकाना है। बात करते करते युग अपने कमरे के अंदर घुस जाता है। कायर कहता है, हाँ वही, तू अकेले डरना मत। युग हंसते हुए कहता है, पागल हो रहा है क्या, मैं क्यों डरूंगा, मुझे थोड़ी किसी से डर लगता है। इतना कहकर युग ठहाके लगाने लगता है। कायर की धीमी आवाज सुनाई देती है, युग ऐसा अक्सर वही लोग कहते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। कायर ने इतना कहा ही था कि युग को टाइपराइटर के बटन दबने की आवाज सुनाई देती है। युग झट से टेबल पर रखे टाइपराइटर की ओर देखता है जिसके बटन अपने आप दब रहे थे। ये देखकर युग के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। युग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कायर की फोन के अंदर से लगातार आवाज सुनाई देती है, हेलो युग, युग तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? युग अपने कदम टाइपराइटर की ओर बढ़ाने लग जाता है। उसके बटने अभी भी अपने आप ही दब रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपराइटर पर टाइप कर रहा था। युग के मन में डर तो था, पर फिर भी ये देखने के लिए कि कैसे टाइपराइटर की बटने अपने आप दब रही हैं, ये देखने के लिए उसके पास जाने लग जाता है। कायर की फिर से आवाज सुनाई देती है, हेलो युग, अरे युग कुछ बोल ना, वहां पर सब ठीक तो है ना? टाइपराइटर के पास पहुंचने तक युग पूरा पसीने से लथपथ हो गया था। टाइपराइटर की बटने अभी भी अपने आप दब रही थी। युग धीरे धीरे उस टाइपराइटर को छूने के लिए अपना दायां हाथ उसके पास बढ़ाने लग जाता है। जैसे ही युग उस टाइपराइटर को छूता है, उसकी बटने अपने आप रुक जाती हैं। अब उसकी बटने नहीं दब रही थी। युग उसी टाइपराइटर को हैरानी के साथ मंत्रमुग्ध होकर देखता रहता है। कायर के मोबाइल के अंदर से आवाज सुनाई देती है, अरे युग कुछ बोलेगा भी या मैं आऊं वहां पर? युग टाइपराइटर को ही देखते हुए कहता है, नहीं कायर, तुझे यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब ठीक है। बिंदु की फोन के अंदर से आवाज आती है, अरे कायर अब तुम मुझसे भी बात करोगे या बस युग से ही बातें करते रहोगे? कायर की भी साथ में आवाज आती है, अरे बिंदु तुमसे ही तो बातें करने रुका हूँ। अच्छा युग मैं रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। युग बिना कुछ बोले फोन रख देता है। उसकी निगाहें अभी भी टाइपराइटर पर ही जमी हुई थी। वो मन ही मन सोचता है, क्या ये मेरा कोई वहम था या टाइपराइटर की बटने अपने आप दब रही थी? इस तरफ रजनी और अमोदिता लगातार कर्ण पिशाचनी मंत्र का जाप किए जा रही थी। तहखाने के अंदर उनकी आवाजें गूंजने लग गई थी। अमोदिता और रजनी दोनों ही अपनी नजरें उनके सामने रखे शुद्ध घी के दीपक पर टिकाए हुए थी, इस आस में कि वो कब चलेगा और कब कर्ण पिशाचनी उनको दर्शन देगी। अमोदिता और रजनी लगातार मंत्र का जाप करते ही जा रहे थे कि तहखाने के अंदर जल रही दोनों मशालें अपने आप बुझ जाती हैं। तहखाने के अंदर एकदम अंधेरा छा जाता है, इतना अंधेरा कि ना ही रजनी अमोदिता को देख पा रही थी और ना ही अमोदिता रजनी को। अंधेरा होने के बावजूद रजनी और अमोदिता रुकती नहीं है, मंत्रों का जाप करती रहती है। देखते ही देखते उनके सामने जो दीपक रखा हुआ था उसकी लौ धीरे धीरे मध्यम चिंगारी के साथ चलने लग जाती है। बाती को जलता हुआ देखकर रजनी के चेहरे पर मुस्कान आने लग जाती है। वो समझ जाती है कि उसकी साधना जल्द ही सिद्ध होने वाली है। अमोदिता को तो अभी भी अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने कर्ण पिशाचनी साधना को एक ही बार में सिद्ध कर लिया था, वरना इसे सिद्ध करने में लोगों को बरसों लग जाते हैं। जैसे ही दीपक जलता है, अमोदिता और रजनी के कान में एक औरत की फुसफुसाती हुई डरावनी आवाज सुनाई देती है, बोलो क्यों बुलाया तुम दोनों ने मुझे? औरत की आवाज इतनी खौफनाक थी कि उसे सुनकर अमोदिता और रजनी दोनों सहम जाती हैं। रजनी भी कर्ण पिशाचनी की आवाज सुनकर बहुत डर गई थी, पर वो बड़ी हिम्मत करके अपने हाथों की मुट्ठी बंद करते हुए मन ही मन सोचती है, हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। रजनी के मन की बात अमोदिता भी सुन पा रही थी। कर्ण पिशाचनी की आवाज सुनाई देती है, क्या पूछना है तुम दोनों को मुझसे? रजनी मन ही मन सोचती है, अब मैं कर्ण पिशाचनी से सब कुछ पूछ लूंगी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी।
की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।